सब आनंद में। द्रव्य गुण और पर्याय के ऊपर आज भक्ति आई तो सभी चुप हो गए। मैं देख रही थी, आज पहली बार ली होगी शायद ये भक्ति। सभी शांत हो गए, या तो समझ नहीं आ रही थी या तो समझने की चेष्टा कर रहे थे। क्या कारण था? समझने की चेष्टा कर रहे थे, कोशिश, वर्ड्स रिपीट नहीं कर पा रहे थे, बड़े टफ थे। खाली 5 मिनट की भक्ति में ये हुआ तो अब तो द्रव्य गुण पर्याय के श्लोक शुरू हो रहे हैं। क्या होगा? आनंद तो म्यूजिक का शौक है, ये समझ लो। अच्छी सुरीली आवाज के प्रति आकर्षण है, ये समझ लो। क्योंकि शब्दों में ना डूबे ना तो भक्ति नहीं हुई, शब्दों के अर्थ में ना डूबे तो समझना भक्ति नहीं हुई। पिछले 13 दिनों में, 13 दिन के गैप है अब, 13 दिनों में 3 ईमेल्स ऐसी आई, एक इंडिया से आई, तो बाहर से आई, जिन्होंने मुझे ये प्रश्न किया कि बेन प्रभु, जब हम लाइव सत्संग अटेंड करते हैं तो उसके अंदर भक्ति होती है, और यूट्यूब पे जब सुनते हैं तो भक्ति नहीं होती, तो फिर जब वर्ल्ड वाइड जो चीज़ प्रमोट हो रही है उसमें से आप भक्ति डिलीट कर देते हो तो आपका हर कार्य कुछ न कुछ प्रयोजन पूर्वक होता होगा। तो क्या प्रयोजन है आपका? अलग अलग ढंग से 3 लोगों ने यही प्रश्न किया। डेटा कम पड़ता होगा, मतलब वो ज़्यादा लंबा हो जाता होगा, क्या होता होगा? तुम्हें क्या लगता है, लाइव में भक्ति होती है? ये उन्हीं 3 मुमुक्षुओं को उत्तर दे रही हूँ, लेकिन तुम भी समझ लो। लाइव में भक्ति होती है और वहाँ पे उड़ा दी जाती है। यूट्यूब पे ये लोग क्यों नहीं डालते? इन लोगों की आवाज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं आती, ऐसा है? बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल। तो फिर क्यों हटा क्यों देते? क्योंकि प्रयोजन शून्य यहाँ कुछ भी नहीं होता, ये मैं कह दूँ। यहाँ कुछ भी कार्य होता है तो उसका कुछ ना कुछ पीछे प्रयोजन, हेतु, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, कारण कुछ ना कुछ है उसका, तो क्यों हटा देते हम? भक्ति गाना बन के रह जाती है। अनुप्रभु कह रहे हैं भक्ति के लिए आए। ज़्यादातर लाइक्स तो सत्संग को मिलते हैं, तुम्हारी भक्ति को तो कम मिलते हैं। तो सत्संग के लिए लाइव आएंगे ये तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन भक्ति के लिए नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं वो जानना मेरा प्रयोजन नहीं है। SRM ऐसा क्यों कर रहा है कि इतना भेदभाव? अगर SRM की दृष्टि रखने लगे, सपना प्रभु का कहना है कि हमें कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, हम लाइव के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं। अच्छा, यहाँ तो मैं भक्ति में भी ऊपर बैठी हूँ, और अब तो भगवत गीता में भी मैं ऊपर बैठ रही हूँ आजकल, ऐसा तुमने देखा हो तो। नहीं नहीं कोई नहीं, जरा देखूँ ना कहाँ। द्रव्य गुण पर्याय को समझाना है आज तो थोड़ा दिमाग कस जाए। हाँ बात वही तो वो यूट्यूब पे नहीं हो सकता क्या? यूट्यूब पे जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, अब इवन USA के अंदर सत्संग इस ढंग से होते हैं कि सामने बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर सत्संग शुरू होता है और सब वाइट कपड़ों में ही बैठते हैं, आसन लगा के, प्रॉपर वाइट चदरें लगा के, प्रॉपर वाइट कपड़ों में उनके समय से बैठते हैं, समय से पूरा करते हैं। तो माहौल तो वहाँ पर भी बनते जा रहे हैं। और भक्ति की बात चल रही है, थोड़ा कस लो क्योंकि आज बड़ा गंभीर विषय है। समय नहीं रहता होगा, सत्संग 1 से 1.5 घंटा हुआ, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3 भी हो सकता है। सत्संग बढ़ाते जा रहे हैं तो इनके 10 मिनट की भक्ति क्यों ना हो? लोग खास मांगने आते हैं कि प्रभु भक्ति दे दो, खास लेने आते हैं। हम प्रयोजन वश हटा देते हैं, कारण ये है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भक्ति में आओ, हमेशा कहती हूँ। भक्ति के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन है, बस इतना था कि आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया तो मैंने उसे उत्तर भी नहीं दिया। कुछ लोग तो ऐसा लगता है उन्हें कि भक्ति में अभी इन लोगों का वो माइक टेस्टिंग चलता है और प्लानिंग हो रही होती है सारा, बस सब लोग आ जाए ना
11 बजे तक सब लोग आ जाए तब तक ये लोग भक्ति चलाते हैं फिर सत्संग शुरू करते हैं, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही कोई प्रयोजन नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान शुरू में हो जाए और भक्ति आखिर में हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन भक्ति को क्यों यूट्यूब पर से हम प्रयोजनवश हटा देते हैं, कारण समझना। भक्ति डूबने का काम करना चाहिए, भक्ति में कुछ समझना नहीं है, भक्ति के शब्दों को पकड़कर उसमें डूबना होता है। और यदि तुम यहाँ लाइव में प्रत्यक्ष के ओरा में डूबने की कला सीख पाए ना, तो जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता गा रहे होंगे तब तुम डूब पाओगे। भगवान महावीर उत्तराजन सूत्र गा रहे होंगे, सत्संग नहीं हुए, वहां व्याख्याएं नहीं हुई, वहां इतने दो दो घंटों के लंबे लंबे प्रवचन नहीं हुए, वहां खाली गाया है, मात्र गाया है। तुम यहीं से एक सत्पुरुष के साथ रहते रहते गाने में डूबने की कला सीख जाओ। जब कोई गा रहा हो उसमें डूबने की कला सीख जाओ तो संभावना है कि जब कोई भगवान कृष्ण के सामने या भगवान महावीर के सामने भी वो गाना गाने के सभा में तुम बैठे हो तो साथ साथ ही उनका सत्संग, उनका प्रयोजन, उनका हेतु क्या है कहने का संग संग ही समझ जाओ। इसलिए तुम्हें उस डूबाने के लिए, उस कला को सिखाने के लिए भक्ति यहाँ से हटाई जाती है। और वो YouTube पे मुश्किल बनता है क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं एक साथ, तो वो डुबाने का काम कभी कभी जो नौ सीखिया है ना वो नहीं कर पाता। लेकिन लाइव में चाहे कैसे भी भक्ति हो ना, आपकी आंखें एक बार बंद हो जाएगी, YouTube पे आप उसे फॉरवर्ड करेंगे। मैं चाहती हूँ तुम डूबने की कला को सीख जाओ। ये उन तीनों लोगों के लिए उत्तर है और साथ साथ में आपके लिए भी, क्योंकि जब जब महत्पुरुष आएंगे, पूर्ण पुरुष, अवतार पुरुष, भगवान कृष्ण, भगवान राम, तुम रामचरितमानस उठा के देखो गाई है, बोली नहीं है, भगवत गीता उठा के देखो गाया है, उत्तराधीन सूत्र, दशवैकालिक सूत्र कोई भी उठा के देखो, ज्यादातर महत्वपूर्ण बातें गाने के छंद की अदा में लिखी गई है। यदि तुम छंद को समझ पाए तभी तुम प्रत्यक्ष कभी कोई महत्वीतराग पुरुष आएंगे ना, तो वो जो फटाफट गाते जाएंगे ना, वहाँ तो बीच में ढोल भी नहीं बजता। कहते हैं वो गाते ही इतना खूबसूरत राग में है, जैसे जैनों में मालकोस राग है, इसमें ही ज़्यादातर सारे गाए गए हैं। तुम उस गीत को समझने के लिए सक्षम बन जाओ ना, उसके लिए भक्ति के आयोजन है, और वो लाइव में होना आसान होता है। हाँ, इतनी बार लाइव में सुनने के बाद दो बार आप यूट्यूब में सुनो तो फिर भी कोई ज़्यादा हानि ना होगी, लेकिन दो बार लाइव आओ और 100 बार यूट्यूब में सुनोगे ना तो भक्ति फॉरवर्ड करके सत्संग से सीधा शुरू करोगे, ये पक्का है। डूबने की कला सिखानी है तुम्हें, क्योंकि कोई भी महत्पुरुष आएगा वो गाएगा, सत्संग नहीं कराएगा। केवली, तीर्थंकर, अवतार वगैरह गाते हैं, बीच में जो सदगुरु आदि आते हैं, सत्पुरुष आते हैं, वो विस्तार करते हैं, वो लोग तो सार में बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए भक्ति कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आपकी आवाज़ में, आपके सुर में वो कशिश हो कि सामने वाला उसमें खोए बिना रहे ही नहीं। प्रेमी तो तुम कैसा भी गाओगे तो खो जाएगा, लेकिन जो अभी नया नया है ना, वो जैसे तैसे गाने में नहीं खोएगा, वो सोचेगा 11 बजे के बाद ही सत्संग में चलो, या यहाँ पर 9:20 तक चलती है भक्ति, तो 9:20 के बाद सत्संग में 9:20 तक पहुँच जाएंगे। ये प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है तुम्हें खोना, डूबना, अर्थ के साथ साथ जो भी शब्द गा रहे हैं साथ साथ अर्थ पकड़ते जाओ तुम, इतनी तुम्हारी तैयारी हो। यहाँ तो एक एक शब्द पे एक एक सत्संग निकल जाता है, महत्पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता। बोला शब्द, समझ गए, नहीं समझे चलो वो तो आगे निकल गए। इसलिए भक्ति भी तुम्हें वीतराग पुरुषों के, अवतार पुरुषों के सानिध्य, उनके समागम के लिए तैयार करती है। भक्ति में ज़रूर आना। अब तो समझ में आई भक्ति की महिमा। द्रव्य, गुण और पर्याय की बातें शुरू हो रही है। मेरी आवाज़ बैठी हुई है कि क्या चक्कर है? मोक्ष मार्ग गति के विषय में हमारी बात चल रही है। थोड़ा गूढ़ विषय शुरू होने जा रहा है, थोड़ा गूढ़।
इसलिए एक मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि इन सत्संगों में नाउ ऑनवर्ड्स जो भी उत्तराधीन सूत्र के जब तक मैं ना कहूँ जो सत्संग होंगे उसके अंदर नए लोगों को या अनअभ्यासी लोगों को ना लाए, क्योंकि उन्हें पहले से ही विषय के प्रति बोरियत होगी। नए हों बेशक, लेकिन अभ्यास भी हो पूर्व का, 10 सालों से 20 सालों से इन सूत्रों को जानते हैं, ऐसे अभ्यासी लोगों, बिल्कुल ही कोई नए नए लोगों को लेकर जिनका कोई अभ्यास ही नहीं है उनको मत लाना, विषय के अंदर नीरसता लगेगी, अगेन उनकी वही प्रायर इक्वेशन आ जाएगी, धर्म यानी बोरिंग बोरिंग, धर्म यानी टफ टफ, कुछ गूढ़ बातें शुरू हो रही है। और इतने इतने उत्तराधीन सूत्र के ऊपर सत्संगों को करने के बाद अब मुझे लगता है समय आ रहा है कि आप लोग भी और जो भी संसार भर में विश्व भर में देख रहे हैं वे सब तैयार हैं इन गूढ़ बातों को समझने के लिए, इनको जीवन में अब जगह देने के लिए। इसलिए खास करके अब के इन गूढ़ विषयों में कोई नए लोगों को आप आमंत्रित ना करें। वेबसाइट पर देखकर वो आ जाता है तो दैट इज़ फाइन, उसके लिए हमारे यहाँ कोई मना नहीं, उस जीव की वैसी ही भवितव्यता होगी, आ गया, लेकिन आप लोग सामने से ना लाए। अभ्यासी हो लेकिन SRM के लिए नए हो तो आप ला सकते हैं, कोई बात नहीं। बात शुरू करते हैं, क्या बात क्या चल रही थी पिछली बार, हमने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इन सब के हमने प्रकार देख लिए। मति ज्ञान के 4 प्रकार कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्रकार मति ज्ञान के 4, श्रुति ज्ञान के 2, फिर अवधि ज्ञान 6, मन पर्यव ज्ञान 2, विपुल मति और रुजुमति, और उसे केवल ज्ञान के प्रकार नहीं होते, उसके 6 अलग अलग पर्यायवाची नाम बताए थे। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए इसके ऊपर हमारी बातें काफ़ी सत्संगों से चल रही है। 4 सत्संगों से अभी हमारी ज्ञान पर ही बात चल रही है, कब दर्शन आएगा, कब चारित्र आएगा और कब तप आएगा। चारित्र और तप पे बहुत थोड़ी थोड़ी बातें चलेगी, लेकिन ज्ञान और दर्शन पर ही ये मैक्सिमम समय तक बातें चलेगी। हो सकता है 6 महीने तक अभी हमारा ज्ञान और दर्शन ही चलता रहे, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे जानना, जिसे हर प्रकार से समझना हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। ज्ञान हमारा आचरण नहीं बन पाता, सबकी दुविधा ये है। ज्ञान तो बहुत ले लेते हो, सत्संगों में आते हो, लेकिन ज्ञान तो तुम्हें बहुत मिल जाएगा, तुमने कल्पना नहीं की होगी ऐसे ऐसे विषयों पर तुम्हें खुलासे मिलते जाएंगे, लेकिन फिर भी वह ज्ञान हम लोगों के जीवन में आचरण का स्थान नहीं ले पाता। उसके लिए शुरू करते हैं आज की पहली बात, नंदी सूत्र के अंदर कुछ बातें करी है कि श्रुत ज्ञान हेतु किस प्रकार से ज्ञान तुम्हारा श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट हो, मति श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट हो, उसके लिए किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में ज्ञान लिया जाना चाहिए, ज्ञान लिया जाना चाहिए कि जिससे ज्ञान आचरण तुरंत बन जाए। ज्ञान यदि तुरंत आचरण नहीं बनेगा ना, देखो 2 ही घटना हो सकती है, एक है ज्ञान आचरण बन जाए यानी ज्ञानाचार यानी चारित्र, एक है ज्ञान आचरण ना बने तो विस्मृत हो जाता है। जो ज्ञान आचरण नहीं बनता वह विस्मृत हो जाता है, ये समझ लेना। बहुत प्रज्ञाशील हो तो तुम्हारे जीवन में मान लो स्मरण भी रहे, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद तुमसे कोई पूछेगा ना तो सारा गुल होगा, 2 साल बाद पूछेगा फिर तो बिल्कुल ही गुल हो जाएगा, अरे अच्छा ऐसा कभी प्रभु ने बताया भी था। वही सत्संग तुम 2 साल बाद खोल के देखोगे, अरे ये सब सभा में बोला भी था, हमें तो डाउट होता है, ऐसा होता है कि नहीं। कितनी बार हम वही सत्संग देखते हैं ना तो भी हमें लगता है कि अरे ये सब बोला था प्रभु ने, ये तो हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा, क्यों क्या हो रहा है, ज्ञान हमारा आचरण नहीं बन पा रहा, इस वजह से स्मृति का भ्रंश होता जा रहा है, स्मरण में कुछ नहीं रहता। ये ज्ञान हमारा आचरण कब बनता है उसके 8 विधियां 8 कारण बताए हैं। ज्ञान से आचार में आचरण में कब ट्रांसफर होता है, पहला काल के अंदर किया हुआ, पहला दिया है काल, काल में किया गया स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। वैसे शास्त्रीय दृष्टिकोण तो कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले कुछ काल होता है, बस उसके अंदर सत्संग नहीं करना चाहिए, 24 मिनट सूर्यास्त से पहले 24 मिनट बाद, यानी कुल मिला के 48 मिनट्स अकाल माने जाते हैं, उसमें सत्संग नहीं करना चाहिए, या सनराइज के टाइम पर भी, यानी जो 2 संध्या होती है ना
उस समय का निषेध किया जाता है। ये शास्त्रीय मत है। आध्यात्मिक मत इससे थोड़ा थोड़ा और गहन जाता है, विपरीत नहीं होता, इससे थोड़ा और गहरा जाता है। वो कहता है क्रोध के काल में, मान के काल में, माया के काल में, लोभ के काल में, राग और द्वेष के काल के अंदर सत्संग आदि, श्रवण चिंतन आदि नहीं करना चाहिए। नहीं, तुम्हें लगे क्रोध के टाइम हम अगर ये सुन लेते हैं ना सत्संग, तो हमें लगता है हमारा क्रोध शांत हो गया। शास्त्र सम्मत नहीं करते, मना करते हैं, क्योंकि क्रोध के काल में जब तुम सत्संग सुनोगे ना, तब क्या होगा, क्या होगा, तुम उन्हीं उन्हीं बातों को पकड़ोगे जो तुम्हारे क्रोध को सम्मति देती है। लोभ के समय में तुम, मान लो लोभ का उदय चल रहा है और उस समय तुम बैठ गए सत्संग के लिए, तुम्हारा कोई डील नहीं हो रहा, इस वजह से तुम परेशान हो, तुम्हें लगा चलो भी डील तो होना भी नहीं है, आओ हम बैठ के सत्संग देखते हैं। उस काल में तुम जो भी सत्संग देखोगे, और उस समय मान लो ना तुम्हें चक्रवर्तियों के दृष्टांत आ गए कि चक्रवर्ती राजा होते, इतना बड़ा राज्य होता है, इतना भोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसी भाव के अंदर मोक्ष जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर लोभ वृत्ति चल रही है, वह चक्रवर्ती पना चाहेगी, वह ये नहीं देखेगा कि उसे मोक्ष हुआ, वो चक्रवर्ती पन्ने को चाहत की चाहत के पीछे लग जाएगी। तुम में कोई माया होगी ना, तो जो भी बात आएगी ना, तुम्हें लगेगा अरे वो लोग इतनी मायाचारी करके मोक्ष चले गए, तो मैंने तो थोड़ी बहुत मायाचारी की। तुम तो कभी अपने भीतर के दोष को पकड़कर उसके प्रति की कोई उलाहना कर ही नहीं पाओगे। जैसा काल होगा ना तुम्हारा, क्रोध का काल, मान का काल, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, राग के काल में तुम सुनोगे, अति राग के काल में तुम सत्संग सुनोगे, तो तुरंत क्या लगेगा, ओ उसको इतना राग था तो भी उसी जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मेरा राग तो उनके जैसा है भी नहीं। तुम्हें लोगों को लगता है ना, मैं राजाओं की जब अपने श्लाका पुरुषों की भी बात करती हूँ तो तुम्हें लगता है उन्होंने कैसा किया, ऐसा तो पाप हम करते ही नहीं है। लो ये तुम्हारा राग काल चल रहा है, उसमें तुमने सत्संग कर लिया, गड़बड़ होगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर उस काल में तुम सत्संग कर लोगे, उस काल में सत्संग कर लोगे, तो वह जो ज्ञान देने के लिए था ना, उस सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान तुम्हें देना था, वो ज्ञान तुम्हारा आचरण नहीं बन पाएगा। तुम एक आध एग्जाम्पल याद रख के आ जाओगे, हो सकता है तुम वो एग्जाम्पल 100 जनों को सुना दो, लेकिन आशय क्या था, तुम्हें वो एग्जाम्पल बताने का आशय था कि वहां से विमुख करके अपने आत्मा के सन्मुख करने का आशय था, उस आशय को तुम पकड़ ना पाओगे। तो पहला है काल, देख कर करना। सत्संग के काल में प्रफुल्लित भाव होना चाहिए। तुम फ्राइडे आते हो सत्संग में, थके थके नहीं, भले ही रात को 9 बज जाते हैं, लेकिन थकान वाला भाव नहीं, उत्साह वाला भाव। तुम संडे को आते हो, उत्साह वाले भाव से आओ। तुम्हारा उत्साह और उमंग होगा ना, तो क्रोध, मान, माया, लोभ अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो उत्साहपूर्ण माहौल काल के अंदर सत्संग में प्रवेश करना चाहिए। या तुम लोगों को, आयोजकों को ऐसा कहा जाता है कि सत्संग का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ आते ही सब अपने आप उत्साह में आ जाए, शांति में आ जाए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा है विनय। विनय, शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञान व ज्ञान दाता के प्रति विनय और श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन थाड़ांग सूत्र के अनुसार, इस उत्तराध्ययन सूत्र के चैप्टर में मैं काफ़ी सूत्र साथ में ले रही हूँ। उत्तराध्ययन में नंदी सूत्र, थाड़ांग सूत्र, आज प्रज्ञापना सूत्र, सारे सूत्र इसी के अंदर इंक्लूड करते जाएंगे, क्योंकि ये मूल सूत्र है, इसके अंदर सारे सूत्र को इंक्लूड किया जा सकता है। ज्ञान विनय की बात आ रही है, तो ये विनय भी शास्त्रों सम्मत 7 प्रकार के हैं। पहला बताया ज्ञान विनय, ज्ञान ज्ञानी ज्ञान के साधनों के प्रति विनय, विनय भाव से। तुम कॉफी पी रहे हो और साथ में सत्संग देख रहे हो, तुम थम्सअप पी रहे हो और साथ में अपने नोट्स पढ़ रहे हो, ये ज्ञान के उपकरण, ज्ञान के साधन, इवन ज्ञानी का अविनय है। तो ज्ञान विनय सबसे पहले होना चाहिए। मुंह में गुटखा रखकर सत्संग सुनोगे तो क्या होगा, ज्ञान का अविनय हो रहा है। तुम कितना भी सुन लो, आचरण में नहीं आएगा। और मात्र ज्ञान और दर्शन नहीं है मोक्ष मार्ग, आचरण यानी चारित्र और तप भी मोक्ष मार्ग है। यही बात चल रही है ना, मोक्ष मार्ग गति के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। और ज्ञान यदि तुम्हारी श्रद्धा भी हो पर आचरण ना हो तो क्या होगा,
अगले जीवन में साथ कुछ नहीं ले जा पाओगे ज्यादा। पहला है ज्ञान विनय, यानी ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों का विनय होना चाहिए। पैर छू रहे हैं किताबों को और ये चल रहा है वो चल रहा है, टीवी देखते देखते सत्संग चल रहा है, टीवी देखते देखते माला चल रही है, ऐसा होता है ना, माला करते करते नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे, ये सब ज्ञान का अविनय है। तुम कितना भी सत्पुरुष के सम्मुख रहो लेकिन ज्ञान आचरण नहीं बनेगा। दूसरा दर्शन विनय, विनय के प्रकार चल रहे हैं, सात प्रकार के विनय हैं। दर्शन विनय सम्यक दृष्टि का विनय होना चाहिए। जो भी सम्यक दृष्टि आत्मा है, तुम्हें लगेगा हमें कैसे पता कौन सम्यक दृष्टि आत्मा है, क्योंकि यहाँ तो दिया है सम्यक दृष्टि का विनय और जो मिथ्या दृष्टि है उसका अविनय, दोनों होने चाहिए। क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि का भी विनय करते हो और तुम मिथ्या दृष्टि का भी विनय करते हो, तुम गधे के आगे भी पूजा करते हो और वीतराग के आगे भी आरती उतारते हो, तो कुछ फर्क है कि नहीं? तुम ही गधा हो ऐसा रख लें, वीतराग तो नहीं हुए। ये विवेक हमारे भीतर उठना चाहिए, हमें लगे हम कैसे जाने ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं। हर किसी के चरण स्पर्श करना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो होगा ना उसके चरण स्पर्श करना शुरू कर देंगे, ये विनय नहीं है, ये मूर्खता है, मूर्खता। हाँ तुम्हारा कोई लौकिक संबंध हो, यहाँ मेरे चाचा वगैरह बैठे होते हैं तो मेरे से बड़े हैं, रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं, ये सब बातें अगर है, उस अपेक्षा से मैं कभी चरण छूऊं तो मुझे अपनी अपेक्षा का भान होना चाहिए। ये मुझे इसलिए नहीं कह रहे कहीं ये सम्यक दृष्टि ना हो, चरण ही छू लो इनके। अब ये तो अविवेकी का लक्षण है। चरण स्पर्श से पहले, विनय से पहले निर्णय होना चाहिए किस कारण से विनय कर रहे हो। तुमसे बड़े हैं, माँ बाप हैं, टीचर हैं, जो भी है, चारित्र ले रखा है तो भी विनय करो। उन्होंने कोई वेश परिवर्तन किया है, हाथ में मुंह पे मोमबत्ती है, हाथ में रजोहरण वगैरह है, तुम विनय करो। साधु संन्यासी वेश का विनय करो, लेकिन तुमको हम सभी का विनय कर डाले ये मान्य जिन आगम को नहीं है। विनय से पहले भी, क्योंकि विनय को भी ना एक मिथ्यात्व में डाला है, मिथ्यात्व के चार अलग अलग भेद है, उसमें विनय मिथ्यात्व दिया है। तुम्हें आश्चर्य होगा विनय को मिथ्यात्व के खाते में डाल दिया। हाँ, क्योंकि जब तुम ये भेद नहीं कर पाते कि कौन विनय करने योग्य है और कौन विनय करने योग्य नहीं है, ये संजीव प्रभु कहाँ है, हाँ इनको बड़ी आदत है, किसी का भी चरण स्पर्श करेंगे तो मैं तो सभा में बोलती हूँ ये बातें। अब आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, मान लो ना कौन है, कोई बड़ा बुजुर्ग है सभा में, कौन है, कोई बुजुर्ग, दादी माँ का करते हो, लो हाँ दादी माँ का आप चरण स्पर्श करते हो, बराबर है, मुझे मान्य है, क्योंकि शायद आपको ऐसा होगा बुजुर्ग है इसलिए। तो हर बुजुर्ग का करो, हर बुजुर्ग का करो, जितने मिलते हैं आपको सत्संग में हर बुजुर्ग का करो, नहीं तो मुझे मान्य नहीं है। आप किसी और को करते हो कि बहुत सत्संग करते हैं ना इसलिए, तो जितने भी सत्संग करने वाले हैं ना सबका करो। जो भी विनय हो उसका कारण यदि आपके पास कोई लौकिक है तो वह कारण हर किसी के ऊपर इक्वली अप्लाई होना चाहिए, नहीं तो ये एकांत विनय हो गया। खाली गौतम प्रभु के मम्मी है इसलिए आप उनको विनय कर रहे हो, SRM की राज परिवार की दादी माँ बोलते हैं हम इन्हें तो इसलिए विनय करते हो, मान्य नहीं है। जिन आगम को मान्य नहीं है, अगर आगम अनुसार विनय करना है, लीना प्रभु के पैर छूते हो आप, सुनोगे तो सारा ही सुनोगे, इसलिए पर्सनल मिल तो मिलना ही मत मुझसे कोई, लीना प्रभु के पैर छुओगे मान्य है मुझे, फिर ढूंढ लो और भी कुछ सम्यक दृष्टि जीव हैं यहाँ SRM के अंदर, और भी कुछ सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके भी पैर छुओ। नहीं छूते तो मात्र एक व्यक्ति के पैर छूना मुझे मान्य नहीं है। और मुझे क्यों मान्य नहीं है, क्योंकि जिन आगम को मान्य नहीं है विनय मिथ्यात्व है। या तो आपको हमें एक को ही छूना है तो एकांत मिथ्यात्व, जिससे जीव कभी भी नहीं तरेगा, और या फिर आपको मालूम नहीं है तो मालूम करो। आप कहोगे मैं मालूम नहीं है प्रभु कि यहाँ पर और कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, मालूम करो, पूछो लीना प्रभु का, आपको मालूम नहीं था, शायद किसी ने कहा होगा तभी तो आपने मान्य रखा। इसलिए विनय भी मिथ्यात्व की श्रेणी में ना जाए तो सोच समझ कर विनय करना भी है, और किस हद तक करना है ये भी आएगा अभी इसके अंदर। पहला तो ज्ञान विनय, दूसरा दर्शन विनय, सम्यक दृष्टि के प्रति विनय और मिथ्या दृष्टि के प्रति नो विनय, अविनय नहीं है, सॉरी नो विनय, अविनय नहीं, अविनय तो बुरा हो गया, ऐसा कोई विनय आदि करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम सम्यक दृष्टि का जैसा विनय करते हो वैसा ही विनय तुम मिथ्या दृष्टि का करो, वैसा ही विनय।
हाथ जोड़ रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, ये सब विनय मान्य है। तो फिर अगर तुम सम्यक दृष्टि का विनय और मिथ्या दृष्टि का विनय एक ही तरह से कर रहे हो, ये शास्त्रों को मान्य नहीं, उसका विनय अलग ढंग से होना चाहिए। बस इतना फर्क समझ लेना। दर्शन विनय के अंदर सम्यक्त्व की भावना भी आती है कि जैसा उनमें सम्यक दर्शन है वैसा मुझ में भी प्रकट हो। जैसे ही हाथ जोड़ो साथ साथ में ये भावना उठनी चाहिए। यदि ये भावना नहीं उठती तो इसका मतलब है तुमने केवल जड़ क्रिया की है जिसका निषेध श्रीमद कर रहे हैं। किसी भी सम्यक दृष्टि के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हो तो वहां तुम्हारे भीतर प्रार्थना, तुम्हारे भीतर झुकने का प्रयोजन क्या है? वाह वाह, तुमने क्या सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वाह वाह। नहीं, जैसा उसको प्राप्त है वैसा मुझे भी प्राप्त हो, ये भावना है तो विनय तुम्हारा ठीक है। ये भावना नहीं है तो ये विनय भी तुम्हारा लौकिक क्रिया के खाते में गया, जड़ क्रिया के खाते में गया, चेतन को स्पर्श नहीं करेगा। थोड़ा टफ लग रहा है, मैंने पहले ही बोला था आज का सत्संग थोड़ा गूढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी एग्जिस्टिंग मान्यताओं पर प्रहार है। तुम्हें लगता है सबका विनय कर लो, सबका विनय कर लो। नहीं, अविनय नहीं करना किसी का, लेकिन हमने कौन से शिविर में एक ऐसा प्रयोग कुछ किया था कि जो शब्द तुम अपने सद्गुरु के लिए यूज करोगे ना वो किसी और के लिए नहीं करोगे। बढ़वा में, हाँ, 6 पद का पत्र जब लिया था और फिर उसका पूरा एक कैटलॉग वो बनाया था पोस्टर आखिरी दिन पे, हाँ, कोलाज वो वहां पे चिपका दिया था कि जो शब्द तुम अपने सद्गुरु के लिए उपयोग करोगे वो किसी और के लिए नहीं। क्यों? ये विनय है। प्रयोजन वश हम तुम्हें विनय की तरफ लाना चाहते थे, तुम सबके लिए वह शब्द यूज कर रहे हो, सबके लिए तुम एक ही जाति से विनय कर रहे हो। या तो सद्गुरु का विनय अलग ढंग से करो, या तो सद्गुरु के लिए फिर पूरे लेट जाओ, रो लो, धो लो, कुछ और करो। अलग ढंग से कर रहे हो तो मान्य है, लेकिन सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों का विनय एक समान हो रहा है, ये आगमों को मान्य नहीं। तीसरा है चारित्र विनय। जिन्होंने चारित्र धारण किया है उनका भी विनय करना है। साधु संत आदि होते हैं उनका विनय, लेकिन वो विनय चारित्र विनय में कब आएगा? जब वो नमस्कार होते ही तुम्हारे भीतर ये भावना उठे कि ऐसे चारित्र को मैं भी कब अंगीकार करूं, ऐसे चारित्र को इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास मार्ग पे मैं भी कब निकलूं। तब तुम ये मत सोचना वो कैसे सन्यासी है, वो छोड़ो, वो तुम्हारे को सोचने की जरूरत नहीं है। किसी ने वेश धारण किया है, चारित्र अंगीकार किया है, तो तुम्हारा नमन विनय कब बनता है? तुम्हारा नमस्कार विनय कब बनेगा? तब जब सामने साक्षात नमन के समय ये भावना हो, नमन के समय ही ये भावना हो कि अजब का चारित्र है, मैं भी कब लूँ। और अपन तो चारित्र लेंगे तो परमात्मा की निकटता में ही लेना है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो हमारे चारित्र में। जैसा चारित्र भगवान ने कहा है बिल्कुल वैसा ही चारित्र हम ग्रहण करें। चौथा है मन विनय। मन विनय 7 प्रकार के विनय है। अब ये मन किसका, मेरा तुम्हारा किसका रखे, किसका मन विनय होना चाहिए? हाँ, किसका? वीतराग का मन गया काम से, अपना मन, स्वाभाविक है, इतना भी टफ नहीं है। मन विनय यानी तुम्हारा मन जो अशुभ विचारों में प्रवृत्त है वहां से उसे लौट कर शुभ विचारों में लाना, ये मन विनय है। कितना गूढ़ है जिनागम। तुम्हारा विचार जो अशुभ, तुम्हारा मन जो अशुभ विचारों में प्रवृत्त है उसे वहां से लौटाकर शुभ विचारों में लाना, अपनी भूलों को उसमें देख पाना, इसे मन विनय कहा जाता है। और इस विनय के बिना भी हम कर क्या रहे हैं, ज्ञान आचरण नहीं बनता। तुम्हारा ज्ञान आचरण क्यों नहीं बन पा रहा? तुम गलत विचारों में खो गए, खोलिए खोलिए, अब वहां से लौटते ही नहीं हो। कभी तो लौटो, कह रहे बहुत हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अब तो लौटूं, लेकिन ये नहीं लौट पाते। इस कारण क्या होता है, मन विनय नहीं हो रहा। और मन विनय नहीं हो रहा तो एक्चुअल बात क्या चल रही है, तुम्हारा ज्ञान आचरण के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। ये सारा बहुत ध्यान से समझना है, सब कुछ तुम कर रहे हो। पहला, ज्ञान विनय होना चाहिए, उससे क्या होगा, ज्ञान आचरण में बदलेगा। दूसरा, दर्शन विनय, उससे दर्शन तो तुम्हारा ज्ञान आचरण में बदलेगा। चारित्र और दर्शन विनय में क्या जरूरी है, सम्यक दृष्टि को देखकर वैसी भावना, मुझे कब प्राप्त होगा, मुझे भी करना है।
तीसरा चारित्रक विनय, चौथा मन विनय, पांचवा वचन विनय। तुम्हारे वचन जो कठोरता की तरफ जा रहे थे, तुम्हारे वचन जो झूठ की तरफ जा रहे थे, तुम्हारे वचन जो कपट की तरफ जा रहे थे, वे वचन को वहाँ से लौटाना, वहाँ से लौटाना। किसी पर गुस्सा आया है, अब गुस्सा दो लाइन में भी प्रकट किया जा सकता है, पांच लाइन में भी किया जा सकता है, दो मिनट भी किया जा सकता है और दो घंटे भी किया जा सकता है। लेकिन जितनी त्वरा से तुम वहां से लौट कर आते हो, जितनी स्पीड से आप वहां से लौटते हो, ये वचन का विनय है। तुम्हें वचन वर्गणा के पुद्गल मिले हैं ना, तुम मनुष्य देह में आए हो तो हर एक के पास नहीं होती ये उपलब्धि, ये तुम्हें मिले हैं तो उसका विनय कैसे होगा। हर अशुभ प्रवृत्ति को मर्यादित हो जाना चाहिए, प्रवृत्ति यानी वचन, वचन प्रवृत्ति को मर्यादित हो जाना चाहिए, उसका टाइम स्पैन घटना चाहिए। पहले तुम काम वाली पे चिड़चिड़ करते थे तो देर से आई ना तो उस दिन पूरा दिन चिड़चिड़ होती थी, अब तुम्हारे भीतर इतना रूपांतरण होना चाहिए कि थोड़ी देर चिड़चिड़ कर ली जो भी करनी है, लेकिन उसके बाद वहां से लौटो, ये वचन विनय है। और ये तुम्हारी काम वाली को कम डांटना भी तुम्हारे ज्ञान को आचरण तक ले जा सकता है, कितनी ताकत है इसके अंदर। तुम्हारी काम वाली को कम डांटना, तुम्हारे एम्प्लॉयज को जितना भाई जरूरी है उतना बोलना पड़ेगा, वैसे तो उतना भी जरूरी नहीं होता, सब कुछ अपने कर्माधीन चल रहा है, लेकिन चलो ऐसे रखो कि उतना जरूरी है, लेकिन वो सीमित होता जाना चाहिए। जैसे जैसे वह मर्यादित होगा तुम्हारे ज्ञान को आचरण में जाने की अनुकूलता होगी। तीसरा नहीं, कौन सा चल रहा है, मन वचन हो गया, काया छठा, काया की अशुभ प्रवृत्ति को अटकाकर शुभ की तरफ लौटना। काया की अशुभ प्रवृत्ति को अटकाकर दुकान से, आज सभी फ्राइडे है तो दुकान से आते हो, तुम जानते ही हो कि तुम सुबह से शाम तक एवरी डे बैठते हो, एवरी डे जो कमाना है यदि तुम्हारे उदय में होता तो उतने 10 घंटों में आ ही गया होता, लेकिन फिर भी अभी तुम उस अशुभ प्रवृत्ति में रहना चाहते हो और उसके कारण सत्संग आदि को मिस करना चाहते हो शुभ प्रवृत्ति को, तो ये काया विनय नहीं है। तुम कितने भी सत्संग सुन लो, कितने भी नोट्स बना लो, ज्ञान आचरण के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। और अंतिम है लोक उपचार विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, और अब आखिरी आता है लोक उपचार विनय। लोकों, लोक के अंदर, अभी के समाज के अंदर, अभी के सामाजिक प्रथाओं के अंदर जो विनय मान्य है ना गुरु आदि का, उसी मान्य विनय की रीति से विनय होना चाहिए। पैर धो के पीना शुरू कर दो, जो आते होंगे ना वो भी आना बंद कर जाएंगे, उल्ट पटांग ढंग से नाचना शुरू कर दो सभाओं के अंदर, तो जो कोई भी सज्जन आदि व्यक्ति होंगे, जो कोई भी सौम्य प्रकृति के होंगे, आने बंद कर जाएंगे। सदगुरु की सभा में ऐसा ही होना चाहिए कि जो पूरे लोक में मान्य है ना इस प्रकार का विनय, पूरा लोक छोड़ो कम से कम हमारे समाज में क्या मान्य है, इस तरह स्त्रियां इस तरह नहीं नाचती, तो यदि तुम लोग इस तरह नाचने लगे जो ऐसे समाज में मान्य नहीं है, तो वो तुम्हारे अविनय के कारण, गुरु का तो जो बुरा लगेगा वो लगेगा, तुम्हारी संस्था का भी जो बुरा लगेगा लगेगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान आचरण बनने में अटक जाएगा। लोकों में जो ढंग मान्य है ना, अलग अलग हरकतों से गुरु पूजा करनी, वैसे तो गुरु पूर्णिमा आ तो नहीं रही अभी, मैं बोल नहीं रही इसलिए, अलग अलग हरकत, हरकत शब्द तुम समझ लेना, अच्छा नहीं होता, ज्यादा अच्छा नहीं होता, अलग अलग झोकरों जैसी हरकत से क्या हो गया, अलग अलग झोकरों जैसी हरकतों से गुरु की पूजा जो करता है उसे उतना बड़ा शिष्य माना जाता है, लेकिन SRM में, पेन प्रभु की सभा में ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा जोकर गिरी तुम करोगे ना उतने बड़े शिष्य हुए, ये मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानती, मैं तो यही समझती हूँ ज्यादा शोबाज है, ज्यादा शोबाज है, लेकिन आजकल सभाएं ऐसी हो गई है, वहां ऐसा होता है जो जितनी बड़ी जोकर गिरी और क्या बोलूं हरकतें करे, ज्यादा उल्टा सीधा लटके इधर उधर करे ना, वो सारे बड़े शिष्य हैं, लेकिन ये लोक उपचार में परमात्मा, आगम शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र मना करते हैं, लोक में मान्य नहीं है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी,
वाह जी वाह, सपना प्रभु क्या पैर धो के पिए, पिए नहीं कभी, लेकिन क्या पैर धो के पी लिया आपने, तो गजब की शिष्या हैं आप। थोड़ी देर में चार लोगों में आपका वाह वाह हो जाएगी, लेकिन ज्ञान आचरण नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे शिष्य तो आगम ग्रंथों को मान्य नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी सद्गुरु रूप में आगम ग्रंथों को मान्य नहीं है, ये सद्गुरु भी नहीं है। क्योंकि यदि शिष्य तुम्हारी ही नहीं सुनता, तुम यदि करने आ रहे हो मेरी पूजा, जो कभी तुम सोचना भी मत, सपने में भी नहीं सोचना, वहीं से बाहर निकाल दूंगी SRM के, और वो भी अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तुम्हारे सपने में भी आया ना, या मेरे सपने में आया, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि सपने में भी आया तो गलत है, लेकिन यदि तुम इस रीति से पूजा आदि करने की सोचते हो, तो ये तुम्हारे ज्ञान को आचरण बनने में बाधा है। और ये पागलपन सब जगह चल रहा है कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लो, जो बड़ी बड़ी बोलियां लेगा, जो बड़े बड़े नखरे लिखाएगा, वो सारे बड़े बड़े शिष्य हैं, बहुत बड़ा भक्त है। अरे बड़ा भक्त है, ये पैसे लिखाने से कैसे पता चलता है? हाँ, बड़ा धनवान है ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि बड़ा धनवान है, 2-5 लाख तो ऐसे ही दे देता है, लेकिन ये बहुत बड़ा भक्त है ये कैसे कहा जा सकता है? इसलिए लोक के अंदर आगम ग्रंथों के अनुसार जो विधि मान्य है, सदगुरु सम्यक दृष्टि आदि को विनय करने की, यदि उससे जरा भी हट के विनय किया जाता है, तो वो लोकोपचार अविनय हो जाता है, लोकोपचार विनय नहीं रहता, और इसके परिणामवश क्या होता है, तुम्हारा ज्ञान आचरण नहीं बनता। कुछ सदगुरु होते हैं, मुझे पहले सालों पहले कहा करते थे, बहुत मना किया उनको ऐसा करने के लिए, लेकिन मानते ही नहीं। कौन कौन नहीं मानते? शिष्य। जो शिष्य तुम्हारी ही नहीं मानता, वो शिष्य कैसे हुआ? और ऐसी हरकतें करने से पहले ना मुझसे पूछ लेना, मुझसे छोड़ो, खाली गौतम प्रभु से पूछोगे ना, तो वहीं से ऐसी आंखें नजर आएगी ना तुम्हें, कि तुम सोचना भी बंद कर दोगे। क्योंकि हर सम्यक दृष्टि का आशय एक होता है, वो जानता है कि वो लोक उपचार के ढंग से विरुद्ध जा रहा है, ये धर्म की हानि कराएगा। और धर्म की हानि तभी होती है जब जन जन के अंदर, यानी व्यक्ति व्यक्ति के अंदर ज्ञान आचरण नहीं बन पाता। धर्म की हानि सत्संगों की कमी के कारण नहीं होती, धर्म की हानि इसलिए होती है कि खूब सत्संगों के बावजूद भी तुम्हारा ज्ञान आचरण नहीं बन पा रहा, इसलिए धर्म की हानि होती है। भगवान के समय में तो इतने सत्संग भी नहीं होते थे, और उनके सत्संग तो केवल गाने के रूप में होते थे, गायन के रूप में, तो वहां पर थोड़े सत्संग और फिर भी इतने लोग मोक्ष में जाते थे। यहाँ इतने सत्संग, रोज का एक सत्संग सुनती हैं आप तो, इतने सत्संग, लेकिन फिर भी अभी सम्यक दर्शन का भी कोई पता नहीं कब होगा, केवल ज्ञान आदि तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि ज्ञान आचरण नहीं बन पा रहा। ये 7 बातें, मतलब ये तो भी विनय चला, अभी बाकी जो सारी बातें आएंगी, बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारना। क्योंकि तुम्हें बहुत सारा बता देना मेरा प्रयोजन नहीं है, जितना मैं बताऊँ ना तुम्हारा आचरण बन जाए, ये मेरा प्रयोजन है। और एक सम्यक आचरण बनाना, राइट आचरण, अपने आप भीतर विशुद्धि आती जाएगी। पहला क्या लिया था ज्ञान आचार के अंदर? काल। दूसरा क्या लिया? विनय। विनय के कितने प्रकार? 7। तीसरा बहुमान। ज्ञान व ज्ञानदाता, अब मैं इसको शॉर्ट करती जा रही हूँ, ऑल्दो तो ये अपने में एक इंडिपेंडेंट विषय है। ज्ञान और ज्ञानदाता के प्रति हमेशा बहुमान रहना चाहिए। मतलब ओहो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितनी अच्छी हेयर स्टाइल है उनकी, ऐसा नहीं। ज्ञान व ज्ञानदाता के प्रति बहुमान रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो भी तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं उनके कुछ न्यून बातें भी तुम्हें पता हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं? वह न्यून यानी हल्की बातें, कुछ ऐसी बातें हों जो सम्मत नहीं होती तुम्हें, तो वो भी तुम्हें हो सकता है पता हो, तो उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। लो, ये स्मरण कर रहा हो ना मन यदि, तो वहां से वापस लौटना मन विनय है। ये स्मरण करेगा तुम्हें, अरे कल कैसे डांट रहे थे वो, तो ये गौतम प्रभु सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं, अब है कि नहीं, अभी मुझे वो नहीं कहना, लेकिन ऐसा कुछ हो कि ये सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं, कितनी जोर से डांट लगाते हैं, कितना रूडली बोलते हैं, ये सब भाव यदि तुम्हारे भीतर चल रहे हैं तो क्या है, तुम्हारा ज्ञान आचरण में नहीं जाएगा। गौतम प्रभु को छोड़ो, मेरी ही बात लो,
कोई न्यून बात कि प्रभु पहले कैसे कपड़े पहनते थे, प्रभु के ऐसे, प्रभु ने कभी ऐसे डांटा था, प्रभु जब छोटे थे तब ऐसे थे, जो भी न्यून न्यून बातें हैं उनका स्मरण कर रहा है, अगर मन में स्मरण आ सकता है, लेकिन वहां से लौटना वो क्या है, मन विनय, और इन बातों से लौट कर जो बहुमान करना गया, अभी क्या है ये देखो, अभी प्रभु अभी क्या है ये, इसके ऊपर दृष्टि करना। यहाँ तो आजकल फैशन चल रहा है, कोई साधु संत भी तुम्हारे घर आ जाएंगे ना तो उनकी न्यून बातें चलती रहती है, अरे वो तो मोबाइल यूज़ करते हैं, अरे वो तो व्हीलचेयर यूज़ करते हैं। तुम उनके भी सत्संग या क्या बोलते हैं उनके प्रवचन में तुम जाओगे ना तो वहाँ भी कुछ अच्छा कुछ तो बोल रहे होंगे, वो ज्ञान तुम्हारे आचरण तक नहीं आएगा, क्योंकि जो भी है सामने वेशधारी उन्होंने भी यदि कुछ कहा है तो वो ज्ञान तुम्हारा आचरण बन सकता है, पर तुम उनकी न्यून बातों को ही याद करते जा रहे हो, ज्ञान आचार नहीं हुआ। पहला काल, दूसरा विनय, तीसरा बहुमान, चौथा उपधान, तप पूर्वक अध्ययन होना चाहिए। कोई भी अभ्यास करो, कोई भी अध्ययन करो, तप, कम से कम कौन सा तप, इस समय में ना खाओ, इस समय में अंदर होता है ना। और कुछ पहले तो ये लोग ना पानी की बोतलें भी देते थे, मैंने बाद में बंद करा दी, कह रहे जो दो घंटे प्यासा नहीं रह सकता उसको प्यासे मरने दो, फिर कोई बात नहीं, उसको सत्संग की जरूरत ही नहीं है, बीच में पानी पीना सत्संग के बीच में, पहले रखते थे ना बॉटल, खास यूथ क्लब में तो बहुत देखा था, सुन रहे हैं बीच में पानी पी रहे हैं, तो हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, वो अभी समझदार नहीं है यूथ क्लब अभी, लेकिन हम पानी की बॉटलें दे के लोगों को प्रमोट क्यों कर रहे हैं कि तुम उपधान अनुपधान का सेवन करो, यानी जब भी सत्संग आदि में हो तो कोई ना कोई तप तुम्हारे भीतर चलना चाहिए। अभी जैसे कहा सुपारी गुटखा आदि खाते खाते नहीं, और कम से कम शास्त्र के अकॉर्डिंगली 24 मिनट पहले नहीं, 24 मिनट बाद में नहीं। 24 मिनट पहले भी तुम खाते खाते एकदम लास्ट मोमेंट पे थूक कर आ गए, ये भी नहीं, और ये शास्त्र श्रवण के बाद भी 24 मिनट नहीं होना चाहिए ये शास्त्र। पांचवा है अनिहनव, यानी ज्ञान व ज्ञानदाता के नाम को छिपाना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान व ज्ञानदाता के नाम को छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आजकल आप देखते होंगे सत्संग में, खास मैं रेफरेंस से बोलती हूँ कि नंदी सूत्र का से मैंने समझा है, ये ठाणांग सूत्र से मैंने समझा है, ऐसा इसने कहा, ऐसा ओशो की बात मैं कई बार कहती हूँ, क्योंकि 3 सालों तक मैंने निरंतर कंटिन्यूस ओशो का अभ्यास किया था 2003, 2004 और 2005 के अंदर, तो इतना 3 सालों तक जब उनका इतना सारा शास्त्र पढ़ा तो स्वाभाविक है कि अपने काफ़ी दृष्टांतों में उनकी बात आ जाती है, बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन तब उनका नाम छुपाना, क्योंकि जन समूह को ओशो के नाम से थोड़ी एलर्जी है, जन समूह को कि ओशो को पढ़ा ठीक नहीं है मतलब, लेकिन ये पागलों की बातों में अपने को आने का नहीं, और जिस भी ज्ञानी से जो भी तुमने समझा है उसके लिए बोलो, वरना किसी ज्ञानी ने ऐसा कहा है ऐसा करो, अगर तुम्हें नहीं पता तो, लेकिन तुम यहाँ से ज्ञान लेते हो और अपने नाम से परोसते हो, उसको अपने ढंग से परोसते हो, अपने नाम से परोसते हो, तो ये तुम्हारे ज्ञान को आचरण नहीं बनने देता, इसको चोरी के पाप में डाला है। तुम्हें मालूम है अदता दान पाप के अंदर, तुम्हारे पास क्षमापना की किताबें होंगी ना, उसके अंदर भी इसको हमने डाला है, ये चोरी है। छठा है व्यंजन, शुद्ध उच्चारण करो, तुम्हारे जो अशुद्ध उच्चारण होते हैं ना वो भी ज्ञान को आचरण नहीं बनने देते। लो कहाँ तो शास्त्रों में ही मातुष माशतुष मुनि का दृष्टांत आता है कि बिल्कुल ही विपरीत बात बोलते बोलते केवल ज्ञान हो गए, वो बात भी सही है, लेकिन जो सामान्य मान्यता है जन समूह के लिए, वो एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन समझते हो, अपवाद थे, लेकिन जो रियल, जो एक वास्तविक रूप से ज़्यादा लोगों जिस मार्ग से जाते हैं उसके अंदर ऐसा है कि अशुद्ध उच्चारण तुम्हारे ज्ञान को क्या नहीं बनने देता, आचरण नहीं बनने देता। पर्याय है तो पर्याय बोलो, पर्याय वृत्ति है तो वृत्ति बोलो, जो शब्द है ना उसको ठीक ढंग से देखो, या तो तुम तोतले हो तो तुम्हें एक्सक्यूज हो कि ठीक है तुम कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम लोगों को भक्ति के लिए मैं खास बोलती हूँ इस बात को कि शब्दों का उच्चारण सही ढंग से हो, क्योंकि वह तुम्हारे ज्ञान को आचरण बनाने में मदद करता है। सातवां अर्थ, ज्ञान से आचरण कब बनता है, अर्थ आशय समझना चाहिए, यदि तुम मेरी बात का आशय नहीं समझ पाते, आशय, आशय समझते हो क्या कहना क्या चाहते, तथ्य क्या है इस बात को कहने में, बेन प्रभु ने कह दिया आपसे किसी का विनय नहीं करना,
ऐसा कहा मैंने? क्या कहा मैंने? बहन प्रभु ने आज के सत्संग में बोल दिया किसी का विनय नहीं करना, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुम्हारे विनय में भी विवेक होना चाहिए कि ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। तुम जैसा सम्यक दृष्टि का करते हो वैसा ही मिथ्या दृष्टि का करते हो, तो ये विनय मिथ्यात्व माना जाता है। अर्थ यानी आशय समझना चाहिए, जो भी गुरु आदि कहते हैं उनका आशय समझो। जब तुम आशय ही नहीं समझोगे तो ज्ञान आचरण में कैसे कन्वर्ट होगा, स्वाभाविक है। और आठवां है तदुभय, यानी अध्ययन व अध्यापन विधि पूर्वक निरतिचार पूर्वक करे, उसके अंदर दोष नहीं लगने चाहिए। दोष अतिचार यानी दोष आदि नहीं लगने चाहिए। अब तुम लोग ये आयोजन करते हो और उस आयोजन के अंदर दोष बहुत लगे जा रहा है, बहुत सारा। यानी पहले के समय में तो जब करते थे ना सत्संग आदि, स्वाध्याय आदि करने बैठते थे ना, तो एसी और लाइट्स और वो सब गायब, बंद करके बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर अविनय हो जाता था। अब चलो हम लोगों के जीवन में ये सब आवश्यक सा होता जा रहा है, लेकिन दूसरे प्रकार की कोई हिंसा आदि का कार्य ना हो रहा, या तुम लगे हुए हो अपने सत्संग के अंदर और पीछे से घर में चोरी हो गई, तो ये भी क्या है। अब चोरी हुई तो तुम शांत रहो, इस स्थिति में तो हो नहीं। अभी क्या होगा, भीतर से द्वेष, आक्रोश, क्रोध ये सब शुरू होगा, तो इस क्रोध आक्रोश के कारण ज्ञान तुम्हारा आचरण नहीं बनेगा। इस तरह से पूरे रीति रिवाज, पूरी सम्मति, पूरी समझ के साथ तुम्हें सत्संग आदि के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसे कहा तदुभय, यानी विधि पूर्वक निरतिचार पूर्वक, के कोई दोष तुम्हारे पहले ना हो, बाद में ना हो, और अभी भी ना हो। कहीं तुम घर को लॉक नहीं करके आए ठीक से और अभी तुम्हें लगे अरे घर लॉक होगा कि नहीं। सारे प्रकार के अतिचार तुमने अभी के अभी सत्संग के अंदर अतिचार यानी दोष उठाने शुरू कर दिए। विधि पूर्वक कार्य करो, घर भी लॉक करके आओ, यहाँ पर बैठो तो सुकून से बैठ सको, घर के और संसार के विचार ना आए, ये तदुभय होता है। इस प्रकार से तुम्हें सत्संग करना होगा, तभी ज्ञान आचरण बनेगा। कौन सा पॉइंट नहीं हो पा रहा तुमसे, ये बताओ। सबने इसमें एक एक तो सोच लिया होगा हमारा ये कम है, कौन सा नहीं हो रहा? चाय कॉफी हो रहा, वेरी गुड, होता होगा, सही बात है। फोन वगैरह आ जाते हैं, ये अतिचार है क्योंकि आपका फोन आसपास वालों को डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, जब यूट्यूब पे देखते हो, पॉज करके देखो। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसके उपाय करने होंगे। अब इस कारण आपके फोन आते, इस कारण आप सत्संग बंद कर दो, ये नहीं चाहिए मुझे। कम से कम इतना हो कि उस समय के लिए पॉज मोड के अंदर आप डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चल रहा है और साथ में आप फोन पे बात भी कर रहे हो। हाँ, फिर ठीक है, फिर चलेगा। जैसे हम लोग गाड़ी में पहले भक्ति चलती थी, पहले क्या कई बार चलती है और भक्ति चलेगी। अब गाड़ी के अंदर दूर दूर तक आना जाना हो रहा है तो बातें भी चलती है, अब क्या करें, इसका क्या है क्या नहीं है, मैं बंद करा देती हूँ भक्ति, क्योंकि ये भक्ति का अविनय है। और जब भक्ति का अविनय है तो होता क्या है, ज्ञान आचरण में नहीं आता। तुम जितने ज़्यादा इन साधनों का उपयोग करना चाहते हो ना, उतना ही तुम अनाचार करने लगते हो। समझ में आ रही है बात? इसलिए या तो भक्ति को बंद कर दो, गाड़ी चलाते चलाते फोन आ गया किसी का, या तो गाड़ी में भक्ति बंद कर दो और या तो फोन उठाओ मत, कुछ भी एक कार्य करो। लेकिन चल रहा है वो, और साथ साथ में आजकल ये औरतों को भी कुछ आदत हो गई है, खाना भी बनाते जा रहे हैं और साथ में बहुत सुना है मैंने ये। हाँ, तो ये विनय नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रही है। नहीं, बैठो, देखो वो भक्ति चलाओ, वहां तक मैं आपको छूट देती हूँ, भक्ति चलाओ, लेकिन सत्संग चलाते चलाते खाना बन रहा है ये नहीं होना चाहिए। क्या सत्संग भी बोलते हो सर? हाँ, वो मैं आपको छूट देती हूँ इतनी, चलो कि वो भक्ति आप लोगों ने अब ठीक है, आपका मन भक्ति में रमा रहेगा इसलिए, लेकिन सत्संग के साथ साथ, सत्संग चल रहा है और उसके साथ साथ आपकी रोटियां बन रही है, खाना बन रहा है, वो मान्य नहीं है। ऐसा होता है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, इसकी आज्ञा ली थी मुझसे किसी ने, तो मैंने ये सारे जवाब दे रही हूँ। ऐसा नहीं होता। और बताओ कौन सा नहीं होता? वर्ड्स के उच्चार ठीक नहीं, तोतले हो, नहीं हो कि नहीं हो? नहीं होना, फिर तो नहीं, फिर अभ्यास करो। बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं यहाँ पर, बिना अभ्यास के मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँची। सम्यक दर्शन हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद सालों का अभ्यास चल रहा है तो आज फ्लॉलेस प्रोनाउंसिएशंस होती हैं।
आज हर शब्द को बड़ी आसानी से बोल पाते हैं हम, अभ्यास। बिना अभ्यास के तुम सम्यक दर्शन तक भी ना पहुंच पाओगे, समझ लेना। और क्या नहीं हो रहा? एक मिनट। हाँ, पूछो, समझो, कौन से प्राकृत के शब्द हैं, आप कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं कि जो आप नहीं पढ़ पाते, मत पढ़ो, उतना पोर्शन छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, तो फिर तो बात ही नहीं है। बोलो प्रभु क्या कह रहे। वो अभी छोड़ दो, मैंने कहा ना वो व्यवहार से मान्य है। अध्यात्म मैं क्या कहती हूँ उसको पकड़ो, अध्यात्म क्या कह रहा है, क्रोध मान माया लोभ वाला काल, वो हटा दो। और नहीं, अपने क्रोध को शांत करो, अपने क्रोध की व्यर्थता को समझो कि क्रोध करके क्या ये ठीक हो जाएगा, और यदि क्रोध करके ठीक होता हो तो कितनी बार क्रोध किया ठीक हो गया होता, उसकी व्यर्थता को समझो, वैराग्य को लाओ और उसके बाद सत्संग की तरफ जाओ। ठीक है, अच्छा होता है कि क्रोध के बाद आप बैठ रहे हो, लेकिन बीच में वैराग्य लाओ, तुम्हारे क्रोध की वैल्यू क्या है, यहाँ कौन हमारे क्रोध को पूछता है और कौन हमारे क्रोध से बदल जाता है, कौन बदलता है, कोई नहीं बदलता। जिसका जैसा परिणमन है वैसा ही चलता है, डर जाएगा थोड़ा लेकिन बदल नहीं जाता, और डरा हुआ ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो डरा है ना हमसे वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए लोगों को बदलना है तो खुद को बदलो। बोलो क्या? हाँ वही कहा ना, क्रोध के बाद वैराग्य लाओ, शांत हो और फिर देखो, तो 24 मिनट भी नहीं चाहिए, 2 मिनट में शांत हो जाते हैं। इरिटेशन के बाद शांति लाओ, वैराग्य लाओ, समझ लाओ क्यों इरिटेट हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन थी जो इरिटेट कर रही है, और उसके बाद शांत हो फिर। उसके लिए 20 मिनट नहीं चाहिए, 1 मिनट में हो जाता है काम। और कौन सा नहीं होता बोलिए। सुनो, लेकिन ये इक्वेशन ना बन जाए कि भक्ति सुनकर अच्छी नींद आ जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं थे, बहन प्रभु नींद नहीं आती, हम जाप कर सकते हैं? मैं कहती हूँ नहीं, ये इक्वेशन नहीं बन जानी चाहिए कि जाप करेंगे ना तो नींद आ जाएगी। ये जाप जगाने के लिए है, भक्ति जगाने के लिए है, और जगाने के साधनों का यदि हम मन पूर्वक विचार पूर्वक उपयोग इसलिए करें कि हमें सुला दें तो कहाँ से कल्याण होगा। कल्याण के साधनों को हमने ही रोक दिया, बंद कर दिया। इसलिए सुनते हो कि अभी चलो नींद नहीं आ रही, टाइम है आधा घंटा एक घंटा, बोर हो रहे हैं, कुछ देखने का भी मन नहीं है, तो लाओ भक्ति सुनते हैं। ये बताता है कि अब मोक्ष मार्ग के साधनों की महिमा आई। लेकिन यदि नींद नहीं आती इसलिए करो ताकि अच्छी नींद आ जाए, ये नहीं। इक्वेशन बदल दो, बस कहना इतना ही है। मैं तो 2 बजे तक भी पढ़ लेती हूँ। बैठ जाओ, नहीं फिर कोई बात नहीं है, अभी तो दर्शनावरणीय जीते नहीं है इसलिए नींद तो आएगी। लेकिन ये इक्वेशंस हटा दो अपनी, गलत इक्वेशंस बना के रखी है, ये बहुत महत्वपूर्ण। आज ये विषय मैं कहीं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी तो अपनी डायरी में नोट किया था, आप लोगों से शेयर किया कि क्यों हमारा ज्ञान आचरण में नहीं बदलता। आपको होता है ना भारती प्रभु कि हाँ बहुत सुनते हैं लेकिन टाइम पर नहीं आता काम। देखो क्या नहीं है आप में, फाइंड आउट करो, हो सकता है कोई एक ही ना हो लेकिन एक वो जो नहीं है ना वो इतना बड़ा रोड़ा अटकारा है ना कि उस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे। फाइंड आउट, भक्ति अलाउड की है, भक्ति सुनो लेकिन सत्संग के लिए अलाउड नहीं किया। अशांत होना यानी क्रोध में होना, क्रोध काल में अलाउड नहीं है। उल्टा पुल्टा अर्थघटन होगा, समझना है ना, वो तो फिर भी मान्य है, लेकिन उल्टा पुल्टा अर्थघटन जो हो जाएगा वो जिनागम को मान्य नहीं है। उल्टा पुल्टा अर्थघटन करने में तो हम सारे एक्सपर्ट हैं, क्रोध काल में तुम करोगे एकदम उल्टा पुल्टा अर्थघटन होगा। भक्ति तक मान्य रखो लेकिन सत्संग तो बिल्कुल ही नहीं।
हाँ अविनय है प्रभु, ये भी देखो तदुभय में आता है, विधि पूर्वक नहीं हो रहा सत्संग। सत्संग तो नीचे बैठ के ही होना चाहिए, अब ये तो हम लोगों की टांगे ऐसी हो गई है तो ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तविक ढंग से सत्संग नीचे बैठकर ही होना चाहिए। बिल्कुल नीचे बैठकर, अभी है ना टांगों में इतनी ताकत है कि 2-4 घंटे बैठ सकते हैं, तो नीचे बैठकर। ताकत नहीं होगी उस दिन सोचेंगे क्या करना, और पूछो ये प्रश्न पूछने से लाभ होगा। हाँ पलंग पे बैठ के ऐसे देख सकते हैं, हाँ वो चल सकता है, लेकिन लोटस, ये जो हाफ लोटस फुल लोटस होते हैं, या कम से कम ऐसे पद्मासन में बैठे, ये काम का है। लेकिन वहाँ ध्यान क्या रखना, मैं पलंग को क्या समझ रही हूँ, एक सेटी, यानी टीवी जो है, यानी जो गुरु का आसन है वो तुम्हारे आसन से ऊंचा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है, तुम बैठ के कहीं पर भी देखो, आपका टीवी ऊपर लगा दो ना तो कहीं पर भी बैठ के देखो। और बोलो बहुत अभिनय हो रही है, बहुत कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं है, मुश्किल होता तो क्यों देती, तो खाना छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं। अभी तक भान ही नहीं था इसलिए हो रहा था, क्योंकि मुझे काफी लोग कहते हैं ये बात कि प्रभु सुनते हैं लेकिन अभी वैसे भीतर ना अंदर से सुनने के प्रति बहुत उत्साह है लेकिन आचरण नहीं बदल पा रहा, ऐसा भी कहते हैं लोग आकर। तो कुछ पढ़ते पढ़ते आई केम अक्रॉस दीज पॉइंट्स कि क्यों ज्ञान आचरण नहीं बन पाता। ये खास उन लोगों के लिए जिनका बन रहा है, वेल कीप गोइंग, और जो जो इसमें मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं उसको ठीक कर लीजिए, और क्या, कौन सा नहीं होता, कौन सा विनय हो रहा है इसमें, कौन सा अविनय हो रहा है ये बताओ। और तब जब तक वो सोच रहे हैं दूसरे छोड़ूंगी नहीं, खाना खाते खाते सत्संग कोई कैसे सुन सकता है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक विनय हुआ। लवी प्रभु ये तो मैं डांट रही हूँ आपको, मतलब चाहे मुस्कुरा रही हूँ फिर भी डांट रही हूँ, मतलब ये तो बहुत बेसिक टाइप का विनय है। आप खाना खाते खाते, यानी सत्पुरुष तो को तो मोटा पुरुष की उपमा दी है श्रीमद ने, तुम आपके घर में कोई बड़ा मेहमान भी आएगा ना, मतलब मैं भी प्रत्यक्ष आपके घर में आ जाऊं, मुझे छोड़ो खाली ये भी आ जाए ना आपके घर पे, तो आप उनके सामने खाना खाते खाते बात करेंगे उनसे। तो जब सत्संग यानी सत्पुरुष का आगमन हमारे घर में, और उस समय हम खाना खाते खाते, या तो पानी का भी त्याग कहा है, खाना खाते खाते हम सत्संग देख रहे हैं, तो ये कितनी मूढ़ता है हमारे में, कितनी बेसिक बात है। ये हमें तो किसी ने सिखाई नहीं आज तक, सच कहूं आपसे मेरे को किसी ने सिखाई नहीं, लेकिन ये अपने आप ही उग के आई है। कभी हमने ऐसा किया ही नहीं कि हम कुछ शास्त्र अभ्यास कर रहे हो और साथ साथ में मुंह चल रहा हो, खा लो ना, भूख लगी है खा के मुंह साफ करके वापस बैठ जाओ, और क्या। ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगेगा ना इतना हम लोग सुनते हैं लेकिन वो विकास नहीं है। इसका मतलब कितना सुनना पड़ेगा, इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन क्या हो जाती है कि 500 सत्संग सुने अभी इतना विकास नहीं है, 5000 सुनने पड़ेंगे, क्या हो जाती। लेकिन नहीं, तुम 5 सत्संग भी सुनो ना, लेकिन इन सब को अगर लाते जाओ जीवन में, ये सिर पर हाथ रख के सुनना ये अविनय होता है प्रभु, खास बता रही हूँ मैं ये सब। हाथ जोड़ के, तुम्हें पता है गंधर्व लोग कैसे सुनते थे मालूम है, यूं, कौन सा आसन बोलते हैं आप लोग उसे, वज्रासन होता है, खड़ग आसन नहीं, खड़ग तो खड़े वज्र आसन में तो पूरे हिप्स बैठ जाते हैं तुम्हारे पैरों के ऊपर, यूं नहीं, पूरे हिप्स नहीं बैठते, यूं ऐसे ऐसे रहते, उष्ट्रासन, हाँ उष्ट्रासन बोलते होंगे, यूं ऊपर रहते हैं पैर, हिप्स तुम्हारे पैरों को टच नहीं करते, और यूं करके सुनते थे। ये गंधर्वों का विनय, जिनके जिनके अंदर सारी द्वादशांगी उतरती थी, भगवान एक शब्द बोलते थे ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, इतना बोलेंगे और उनको सारा का सारा ज्ञान उघड़ के बाहर आ जाता था। इतने ज्ञानी हैं हम लोग नहीं है, तो वो इस तरह करके भगवान की वाणी सुनते थे, तो हम कैसे सुने। हम यूँ सिर पे हाथ देके बैठेंगे, या यूं यूं कर रहे होंगे, या पैर हिला रहे होते हैं, कुछ लोगों को आदत है, मेरी तरफ से देखो तो पता चले, यूं 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 पैर हिलाते रहेंगे उनके, यूं यूं हिलते रहते हैं, ये सब अविनय है, अविनय। थैंक यू, मेरे को आपको कुछ ऐसा नहीं कहना था, लेकिन ज्ञान सभा में बैठ के हम ज्ञान से शून्य रहे मैं ये नहीं चाहती। और क्या कारण है, मैं अलग अलग तो काफ़ी सोचती हूँ, लेकिन एक साथ मुझे शास्त्र में मिल गए ना कि ये भगवान भी यही कह के गए, तो अब इसको समझो। और कौन सा छूट रहा है,
बिल्कुल है प्रभु, हमारी प्रायोरिटी वो हो गई ना प्रभु। सत्संग देखते देखते श्रीमद ने पता उपदेश छाया के अंदर लिखा है कि सत्संग देखते देखते यानी सतपुरुष के समागम में, मान लो सतपुरुष सामने बैठे हैं और टीवी वाला सत्संग भी सतपुरुष है कि नहीं है, वहाँ वो असतपुरुष हो गए। टीवी पर जब आते हैं तुम्हारी या तुम्हारे लैपटॉप पे आते हैं, वहाँ भी सतपुरुष है कि असतपुरुष है? तो तुम्हें वहाँ पर ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर चोरी चलती है, तो मतलब प्रत्यक्षता नहीं है। श्रीमद कहते थे सतपुरुष सामने हो और समझो ना यहाँ से कोई आया, उसके कपड़े पर तुम्हारी नज़र पड़ी। अब वो कपड़ा मान लो 100 रुपये मीटर है, मान लो उस कपड़े का मूल्य है 100 रुपये मीटर, और तुम्हारी दृष्टि उसके कपड़े पे पड़ी, यानी गुरु की मुद्रा, गुरु के वचनामृत और गुरु के समागम का मूल्य तुमने 100 रुपये से कम कर दिया। ये खोल के लिखा है एकदम, पढ़ना कभी। अभी किसी के फोन के ऊपर भी नजर पड़ जाए ना तुम्हारी, तो 20-50 हज़ार का फोन होगा, यानी गुरु की जो अनमोल वाणी है, अनमोल समागम, अनमोल मुद्रा, उस सबका मूल्य कितना कर दिया? 20-50 हज़ार रुपया। क्या तुम्हें सम्यक दर्शन की बात कैसे करें, कैसे करें? और बोलो अब क्या करें? क्यों नहीं सुन सकते मुझे ये बताइए, क्यों नहीं? वो खरीद लो एक छोटे छोटे, वो क्या आते हैं हम लोगों के सबके घरों में है, मत सुनो कान खराब हो जाएंगे वो इतने, क्या ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, हम लोग तो अमेरिका से लाए थे लेकिन अब तो सब जगह इंडिया में भी मिलते हैं। छोटा सा स्पीकर इतना सा आता है, यहाँ उठा के रख लो, फोन के साथ ला, ब्लूटूथ से कनेक्शन होता है, तुरंत से हो जाते हैं। हर चीज का उपाय है, और तुम अब ढूंढोगे क्योंकि अब तुम्हें पता चला ये कारण है तुम्हारा ज्ञान आचरण में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा। कोई गुटखा खाते खाते तो नहीं सुनता? हाँ हाँ, तो क्या हुआ, वो तो फिर भी उसमें आ सकता है, वहाँ उसका तो काम वॉइस के आउटपुट देना है ना, उसको इंटरनेट से क्या लेना देना। हाँ टिंग टिंग बजेगा, बजते हैं तो इतना चलाओ, अब इतने अभी स्ट्रिक मत कर दो कि तुम लोग भाग ही जाओ, सत्संग सुनना ही छोड़ दो। हाँ ऑफलाइन करके, लेकिन आप कहोगे 2 घंटे ऑफलाइन करना पड़े इसके लिए, ये करना पड़े, तो ठीक है वो टिंग टिंग आता है, वो ऊपर में एक बार आता है ऐसे टिंग बजता है, या तो वो क्या करते हैं कि मैसेज नोटिफिकेशन बंद कर दो। बहुत कुछ किया जा सकता है, कहने का था आज, आज तो मुझे शुरू नहीं करने दोगे मेरा विषय। बिल्कुल सतपुरुष सामने ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां से पकड़ लेंगे तुम्हारी भूल और अगले सत्संग में बोलेंगे। थैंक गॉड तुम थोड़े आ जाएगा ना, बस मैंने आज का विषय, मुझे तो ये मेरी कॉपी में देखो तो खाली इतना सा लिखा है, लेकिन अब तुम्हें समझाने के लिए पूरा घंटा निकल गया, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे ज्ञान को आचरण में ले जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम बहुत ज्ञान 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 धान बन जाओ तो ज्ञान का अहंकार हो जाएगा तुम्हें, हम बड़े सत्संगी है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। आपके जीवन में क्या नहीं है नया प्रभु? आप कहोगे राज परिवार को छोड़ देती हो हमेशा, तो बोलो क्या क्या हो रहा है जिसके कारण ज्ञान आचरण नहीं बन रहा? मेरे आसपास रहते लोगों को तो बहुत ही जल्दी ज्ञानवान हो जाना चाहिए, लेकिन वहां क्या होता है ना, ये बहुमान नहीं रहता, तुच्छ बातें याद आ जाती है, तुच्छ बातें, ऐसा मुझे लगता है। रिटर्न चारित्रवान का विनय नहीं होता, अच्छा चारित्र धारण की भावना नहीं होती कि इनसे अच्छे तो हम ही है, चारित्रवान का विनय, हाँ उमड़ना चाहिए भाव, साधु देख लो संत देख लो, भाव उमड़ना चाहिए। अभी तो समाज की जो व्यवस्था है ना कुछ ऐसी हो गई, साधु को देख के और धिक्कार भाव आता है, कह रहे इनसे अच्छे तो हमें, तुम कैसे अच्छे हो गए उनसे, मतलब किस एंगल से अच्छे हो गए, लेकिन पता नहीं। हाँ नहीं निरतिचार चारित्र ले, इसलिए मेरी भावना हमेशा ये होती है कि मैं भगवान के सानिध्य में कभी चारित्र ग्रहण करूं, अभी तो काफी हीनता आ रही है ये मैं देख पाती हूँ,
लेकिन मेरी भावना यह रहेगी कि मैं कभी भी करूं भगवान के सामने हो, ताकि कोई अतिचार ना आए। कितना धैर्य। मैतारिया मुनि का नाम सुना है आप लोगों ने? मैतारिया मुनि, क्या कथा है मालूम है पूरा, कैसे एक चिड़िया को बचाने के लिए अपने देह का त्याग हो गया। ऐसा चारित्र पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो जैसे वो चिड़िया सोने का दाना चुग के चली गई, इसलिए वो कोई सुनार के पास गए थे वो गोचरी लेने, और वो जो सुनार था सोने के दाने बना रहा था। तो चिड़िया को आई तो उसको ऐसा लगा कि ये सोने का दाना यानी वो कोई चावल का दाना है, तो उसको निगल गई। वो अंदर गोचरी लेने गए हुए थे, मैतारिया मुनि बाहर थे, उनको लगा इन्होंने चुरा लिया। बताओ किस, कौन ले गया, कौन ले गया। लेकिन वो जानते थे कि जैसे ही बोलेंगे चिड़िया सामने घोंसले में ही बैठी है, जाके सीधा मार के दाना निकाल लेंगे अपना। तो बस वो ना मरे, उसके लिए इतना इसने तंग किया सुनार ने, इतना परेशान किया, इतना परेशान। लेकिन देखो ज्ञान आचरण बना हुआ है ना, तो धैर्य में रहना। भगवान ने यही सिखाया था, जब भी कोई भी प्रसंग आ जाए, मरणासन प्रसंग आ जाए, पर धैर्य मत चूकना। तो उस धैर्य के अंदर रहते 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 वहीं के वहीं केवल ज्ञान, और इतना इतना उपसर्ग। इन कहानियों को पढ़ो तो पता चले कि क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी यदि ज्ञान आचरण बना है ना, तो वहां धैर्य चूकेगा नहीं। ये बात बात में क्रोध आ क्यों जाता है? क्योंकि ज्ञान आचरण बना नहीं है। ये क्रोध की पर्याय इतनी लंबे काल तक चलती क्यों है? क्योंकि ज्ञान आचरण बना नहीं है। अभी भी संसार की वस्तुएं देखकर उसकी तरफ मन आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान आचरण बना नहीं है। अभी भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच में इतना वैर होता क्यों है? इतने सत्संगों के बाद भी ज्ञान आचरण बना नहीं है। प्रॉब्लम यह है, आज का सत्संग समझ लो इसको डेडिकेट किया, कि ज्ञान तुम्हारा आचरण क्यों नहीं बनता। और तुम लोग अपने से हो ना, अपने हो ऐसा रख लो, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा हक से डांट सकती हूं। कम से कम इतने लोग भी यदि ज्ञानाचार के अंदर आ जाएंगे, ज्ञानाचार बोलते हैं इसे, यानी सुनते सुनते ज्ञान आचरण बन गया, कब? जब ये सब कुछ तुमने फॉलो किया, तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी वैसा बनने की इच्छा होगी। मुझे देखकर, एक खाली मेरे को देख के तुम्हें मेरे जैसा बनने का मन होता है कि नहीं? कितने लोग आजकल तो मुझे कहते हैं, बहन प्रभु हमें आपके जैसा होना है। ठीक है, तो तुम 100, 150, 200 लोग ऐसे होंगे तो सामने क्या प्रभाव, क्या छोड़ के जाओगे सृष्टि पर? कैसा प्रभाव छोड़ के जाओगे? कितना एक सामूहिक प्रभाव आएगा, जिसे मैं कहती हूँ सत्युग का लौटना। ऐसे प्रभावक लोग चाहिए। कैसे? बहुत ज्ञान हो वैसे नहीं, जिनका ज्ञान आचरण बन गया हो, आचरण में आना चाहिए। कोई और बोलना है किसी ने, क्या आगे बढ़ूं? अनिहनवण, 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 यानी कोई बात नहीं, ऐसा ही शब्द है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि छुपाना नहीं, ज्ञान व ज्ञान दाता के नाम को छुपाना नहीं। और खास ध्यान रखना कि आजकल प्रभु जहां से भी उन्होंने पढ़ा होता है ना, उस शास्त्र का नाम बोलने की चेष्टा करते हैं। कोशिश जरूर करती हूँ कि ये 8 पॉइंट कहाँ है, ये सूत्र के अंदर है, ये इसलिए क्योंकि मुझे अपने ज्ञान को आचरण, और अभी केवल ज्ञान तक पहुंचाना है तो वहां तक आचरण बनते जाना चाहिए। क्रेडिट देना, और उसको वर्बल क्रेडिट भी होना चाहिए। हम छुपा लेते हैं, अरे वाह आपके अंदर ये दोष देखने की कला है, कहां से आ गई जी, आ गई जी, बस वो अंदर देखते देखते दोष दिखने लगे। झूठ मत बोलो, ये दोष देखने का ढंग और कला और आदत तुम्हें एसआरएम ने डाली है कि नहीं, दूसरों का नहीं अपना। क्या बोल रहे थे? वो कोई बात, उससे क्या फर्क पड़ता है? भक्ति करते करते आप खाना नहीं बना रहे ना, लिखते लिखते खाना नहीं बना रहे। बाकी भक्ति आपकी सेवा है, तो इसलिए भक्ति गाते करते रियाज करते करते आपको हर एक कार्य करना हो, वो छूट है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं, आप देखते नहीं मेरे को, मैं भी कितनी बार उठती हूँ वापस बैठ जाती हूँ। कोशिश ये करो कि मतलब इकट्ठा बैठ सको। बार बार उठने से विक्षेप पड़ता है, जो हम समझ रहे हैं उसके अंदर उसकी धारा टूटती है। कोशिश करो अपना काम इस तरह अरेंज करो कि बार बार अपने कारण से ना उठना पड़े। बैठे और बाथरूम लगी, अरे तो बाथरूम जाके बैठो ना, इतना तो हो सकता है। हाँ कोई बेल बजा दे तो तुम्हें उठना पड़ेगा। बोलो, और किसी का कोई प्रश्न?
इस केस में मैं इतना कहूंगी कि ठीक है वो एंटरटेनमेंट के लिए शुभ उपयोग के लिए आप देख लेते हैं, अरिहंत चैनल चलता रहता है, आस्था चैनल चलता रहता है, ठीक है जानकारियां मिल जाएगी लेकिन ज्ञान आचरण में परिवर्तित नहीं होगा। और जानकारियां मिलना भी अच्छा होता है, कुछ जानकारी मिली होगी तो आचरण भी बनेगा ना, अच्छा है, लेकिन ज्ञान आचार नहीं आया, और ज्ञान आचार नहीं आया तो सम्यक ज्ञान भी नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान नहीं है तो दर्शन सम्यक हो नहीं सकता। सुन सकते हो लेकिन वहां ये मत सोचो, सुन सकते हो खाली जैसे चल रहा है, कुछ जानकारियां मिलेगी लेकिन इसे ज्ञान मत मानो, जानकारियों में और ज्ञान में बहुत फर्क है। और अपने जीवन में व्यवस्थित कोई ऐसा समय निकालो जहां पूरे डेडिकेटेड आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और देख रहे हो, भले आधा घंटा देखो, नीलेश प्रभु को हम बोलते हो तुम आधा घंटा देखो लेकिन एक सोफे पे बैठकर एक जगह पे, ये नहीं के बीच में किसी को फोन करने चले गए, ये नहीं के बीच में थोड़ा पार्थ को देखा है, कुछ नहीं, जिसका जो होना है होगा, तुम बैठ जाओ आधा घंटा देखो, आधा घंटा भी देखना तुम्हारे ज्ञान को आचरण बना सकता है, और तीन तीन घंटे घूमते फिरते कार्य करना तुम्हारे ज्ञान को आचरण नहीं बनाएगा। और हमें चाहिए क्या आचरण, अब तो ज्ञान जितना लेना था ले चुके, बहुत समझा चुकी हूं मैं, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा है, लेकिन अब ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए। और किसी का कुछ प्रश्न? थैंक यू, मैं आगे चलूं, थोड़ा तो हमें आज करना चाहिए, नहीं तो द्रव्य गुण और पर्याय के डेफिनेशन लिखकर छोड़ देते हैं आज। आ जाओ स्वाति प्रभु, आ जाओ, क्योंकि इसको उत्तराध्ययन के टाइटल में दोगे ना आप, तो उत्तराध्ययन का हमने कुछ नहीं किया तो बुरा लगेगा, टाइटल चेंज नहीं करना। छुपी छुपी बातें हैं, देखो उत्तराध्ययन के सत्संग के अंदर क्या हो गया, इसी धीरे कराना है, हाँ इसी धीरे कराओ भाई, बंद करा दो, चलो फटाफट आ जाओ प्रभु। पांचवा जो मूल है वो श्लोक का लो, पांचवा मूल श्लोक फटाफट 1-5 तक गालो। मुख मक गईम तचम सोने हजीण बासियम चौकारण संजुतम नाणम दंसन लखणम नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः इसमकोति पणन्तो जीणे हिम वरदंसीहिम नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः इयममगमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुखैं तथ पञ्चविहम नाणम सूयम आभिनिबोहियम ओहि नाणम तैयम मणनाणम च केवलम इयम पञ्चविहम नाणम दवाणय गुणाणय पचवाणम च सवेसम नाणम नाणी ही देसीयम। इससे ज्ञान आचरण बनता है, ऐसी सेवाएं भी बहुमूल्य हैं जिससे ज्ञान आचरण बनने के, कुछ नहीं करना इन्होंने, खाली बस इन्होंने राइट उच्चारण उपयोग पूर्वक उच्चारण किए ध्यान रखकर, और दूसरा इसका कुछ प्रैक्टिस भी की होगी, यही जो सुन रहे हैं ना वो आचरण बन जाएगा, ये भी प्रयोग करने जैसा है, ये जो गा रहे हैं ना ये ज़्यादा कोई टफ लय नहीं है, खामे में सवे जीवा वगैरह गाते हैं ना हम, वही लय गा रहे हैं, गाओ थोड़े चार चार खाली लाइनें गाओगे ना ज्ञान आचरण में बदलेगा, बहुत उपयोगी है ये। पहले के समय में लोग ऐसे बैठे नहीं रहते थे, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, नहीं, वो भक्ति में भी समय व्यतीत करते थे और उपयोग पूर्वक भक्ति करते थे तो ज्ञान अपने आप आचरण में बदलता जाता था। कैसे, एक एक रहस्य है। पांचवें श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं, अच्छा ऊपर से देख लो, चार कारणों से संयुक्त ज्ञान दर्शन लक्षण वाली जिन भाषित तथ्यात्मक मोक्ष मार्ग की गति को सुनो। मोक्ष मार्ग की गति कैसी है? ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, यह मोक्ष मार्ग है, ऐसा वरदर्शी यानी सत्य के सम्यक दृष्टा अरिहंतों ने प्ररूपित किया है। तीसरे में क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इसे चरित्र मत पढ़ना, चारित्र,
और तप। इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुगति में जाते हैं, ये भी हमने देख लिया था। चौथा, उसमें ज्ञान पांच प्रकार का है, श्रुत ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनह ज्ञान यानी मनह पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांच प्रकार के हमने ज्ञान देखे, उसमें हर ज्ञान के हमने प्रकार देख लिए कि मति ज्ञान के इतने हैं, अवधि ज्ञान के इतने हैं, हम सारी बात कर चुके हैं। अब पांचवा सूत्र आता है, यह पांच प्रकार का ज्ञान सर्व द्रव्य गुण और पर्यायों का अवबोधक है, ऐसा ज्ञानियों ने बतलाया है। अद्भुत बात यहां से शुरू हो रही है, तुम लोग आज बच गए, तुम्हें ये नहीं सुनना पड़ा, ऐसा नहीं है, ये बहुत गूढ़ विषय शुरू हो रहा है। और उससे पहले, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है जिसे षट द्रव्य और नौ तत्व का यथार्थ ज्ञान है वह सम्यक दृष्टि है। षट द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय आ रहा है ना, और नौ तत्व, इसके बाद का जो स्टार्ट होगा वो नौ तत्व है, जिसे उसका यथार्थ ज्ञान है वह सम्यक दृष्टि है। यानी वह ज्ञान यथार्थ होगा तो तुरंत ही आचरण में कन्वर्ट होगा, और आज हमारी इसीलिए ज्ञान आचार पे इतनी बातें चली। यह पांच प्रकार का ज्ञान सर्व द्रव्य गुण और पर्यायों का अवबोधक है, अवबोधक यानी उसे बताने वाला है। ये पांच प्रकार के ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें से हमारे पास क्या है, वो भी अज्ञान वाले हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद ही वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बनते हैं। उससे पहले मति ब्रैकेट में अ लिखा था हमने, और उसके बाद ज्ञान। अब ये ब्रैकेट का क्या करना है तुमने, वो तुम जानो, ब्रैकेट को रखना है या फिर ब्रैकेट को उड़ाना है या फिर ब्रैकेट का अ जो अज्ञान है वो आनंद में कन्वर्ट करना है, ये अब तुम लोग जानो तुम्हें क्या करना है। यह पांच प्रकार का ज्ञान यानी हमारे पास कौन से है, मति और श्रुत, ये दोनों ज्ञान द्रव्य गुण और पर्यायों को बताने वाले हैं। अब द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, जैन आगम कहते हैं कि ये विश्व, विश्व छह द्रव्यों का समूह है, कितने, षट, ओनली सिक्स द्रव्य का समूह है और कुछ नहीं है। विश्व की डेफिनेशन सबसे पहले लिख दो, विश्व यानी षट द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात है, द्रव्य क्या है, द्रव्य, द्रव्य किसे कहेंगे, क्योंकि छह द्रव्य के समूह को विश्व कहा जाता है, तो द्रव्य क्या है प्रश्न उठेगा ना, द्रव्य का क्या है, गुण और आश्रय, गुण और पर्याय से जो युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिखो, द्रव्य जो गुण और पर्यायों से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं, यानी जो गुण और पर्याय जिसके आश्रय से रहते हैं, जिसके आधार से रहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। पहले बस डेफिनेशन समझ लो, फिर थोड़ा सा आगे देख के छोड़ देंगे। विश्व क्या है, छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो छह द्रव्य यानी द्रव्य क्या हुआ, छह कौन सा बाद में बात करेंगे, द्रव्य क्या हुआ, जो गुण व पर्यायों से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। उसके बाद तो फिर गुण क्या हुए, एक एक में से एक एक डेफिनेशन निकलेगी। तो गुण क्या हुए, जो द्रव्य के साथ सदा रहते हैं, कभी भी पृथक नहीं होते, यानी कभी भी उससे अलग नहीं होते, उन्हें गुण कहते हैं। गुण क्या हुआ, जो द्रव्य के साथ सदा रहते हैं, कभी भी अलग नहीं किए जा सकते, इसको स्ट्रेस देना, कभी भी अलग नहीं किए जा सकते, इसको क्या कहते हैं, गुण। और फिर आई बात पर्याय की, तो पर्याय क्या होता है, क्योंकि द्रव्य में गुण और पर्याय दो शब्द आए थे, तो गुण को हमने डिफाइन कर दिया, अब पर्याय क्या है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये सिंपल जो शास्त्र सम्मत व्याख्याएं हैं, ये तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा तो समझ लेना ये मेरी निकाली हुई नहीं है, जो चीज टफ है वो सब आगम में इस तरह लिखा हुआ है। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और इसी की दूसरी डेफिनेशन लिखो, इसे वन दे दो नंबर, इसी की दूसरी डेफिनेशन दे दो, द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्था को पर्याय कहते हैं, द्रव्य की
परिवर्तनशील अवस्था को पर्याय कहते हैं। और मेरे एंगल से समझना हो, जो इजीएस्ट होता है, मैं हर बात को सिंप्लीफाई करने की चेष्टा करती हूँ, जो पलटे वह पर्याय, जो पलटे वह पर्याय, जो भी पलट जाए उसको पर्याय कहते हैं। पलट जाए मतलब बदल जाए, उसको पर्याय कहते हैं। तुम अभी मनुष्य पर्याय में हो, पलटती है ना, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे भीतर जो जानने का स्वभाव है वो हमेशा यही रहेगा। तो ये क्या हुआ, गुण। और तुम्हारी जो द्रव्य है वो क्या है, चेतना, गुण वाला गुण उसका चेतना है, और पर्याय उसके अभी क्या है, मनुष्य पर्याय के अंदर हो। कभी ये सिंह पर्याय में जा सकता है, कभी नारकी में, कभी देवलोक में, कहीं पर भी। तो द्रव्य क्या, विश्व क्या हुआ, छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। सातवां द्रव्य है नहीं, और पांच कभी हो सकते नहीं, ये पहली बात। दूसरी, तो द्रव्य क्या है, गुण और पर्यायों, पर्याय जिसमें रहते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। क्योंकि गुण और पर्याय रहेंगे किसके आधार पे, आज ये वस्तु है ये किसी के आधार से टिकी है ना, अगर ये आधार हटा लो तो ये टिकेगी कहां, पता नहीं, गिर जाएगी। गिर के भी कुछ तो आधार चाहिए। तो गुण और पर्याय जिसके आधार पे टिके हुए हैं उसको क्या कहते हैं, द्रव्य। जो गुण व पर्यायों से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं, ये शास्त्र की परिभाषा। गुण क्या है, जो द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं, यानी जीव के अंदर ज्ञान और दर्शन का स्वभाव हमेशा रहता है, चाहे निगोद में चला जाए, चाहे सिद्ध शिला पर चला जाए, ज्ञान और दर्शन का गुण कभी भी खत्म नहीं होता, आवृत हो जाता है, मतलब उस पर पर्दा आ जाता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान दर्शन वाला, यानी गुण जीव का हुआ ज्ञान दर्शन वाला, और पर्याय क्या है, गुणों के परिणमन को, बदलते रहते हैं गुण, गुण अलग अलग अवस्थाएं धारण करते हैं, वो पर्याय होती है, या द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्था को पर्याय कहते हैं। जैसे सोना है, सोना एक द्रव्य है, उस द्रव्य का गुण क्या है, पीलापन, पीला हमेशा रहेगा। सोना कभी काला मिलता है, लाल मिलता है, उसके अंदर कालापना होगा तो वो उसकी अशुद्धि होगी, निकाली जा सकती है, लेकिन पीलापन तो हमेशा होगा। ये पीलापन क्या है, सोना रूपी द्रव्य का गुण, और उसकी पर्याय क्या है, कभी उसमें से कड़ा बन गया, कभी उसमें से हार बन गया, कभी उसमें से अंगूठियां बन गई, ये सब उसकी पर्याय है। जो पलटे वह पर्याय, या फिर जो यहाँ लिखा है गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, या द्रव्य की अलग अलग अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं। कभी अंगूठी बन गई, कभी कड़ा बन गया, कभी चेन बन गया, कभी कान के लटकन बन गए, कुछ भी बन गया, वो सारी अलग अलग पर्याय है। पानी का गुण क्या है, पानी एक द्रव्य है, उसका गुण है ठंडक, शीतलता। अब तुम ये गुण उससे कभी पृथक नहीं कर पाओगे, जैसा इसमें लिखा ना, तुम उसे अलग नहीं कर सकते। तुम उसको गर्म कर डालो तो गर्म हो गया, तो पानी, पानी का गुण नहीं बदलेगा, पानी की पर्याय बदली, क्या कहा जाएगा। अब ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं, क्योंकि इनका यथार्थ ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, लेकिन कैसे ये समझना होगा, बहुत गूढ़ है ये बात। पानी की पर्याय बदल गई, गर्म कर दिया तो वो भाप बन गई, गर्म बन गया, या पानी में चीनी डाल दी तो वो मीठा पानी बन गया, लेकिन थोड़ी देर उसे अनटच्ड छोड़ दो, उसको हाथ मत लगाओ, तो वापस अपनी शीतलता की तरफ आ जाएगा। या कोई ना कोई ढंग ऐसा होगा कि चीनी को पानी से अलग किया जा सकता है कि नहीं, मीठेपन को भी पानी से हम अलग कर सकते हैं, ये सारी उसकी पर्याय है। गुण क्या है, एक शीतलता। हर द्रव्य का गुण और पर्याय है। अब लिख डालो छह द्रव्यों के नाम, इतना 13 दिन का होमवर्क है ये। देखो हर फ्राइडे होता नहीं, इसलिए 13 दिन में 6 द्रव्य के नाम याद करके आना। पहला जीव द्रव्य, बोलो क्या हो गया, नहीं नहीं बोलो, हाथ खड़ा कर रहे थे। पहला जीव द्रव्य, दूसरा पुद्गल द्रव्य, डॉट डॉट मारते जाना, पुद्गल द्रव्य। तीसरा धर्म द्रव्य, चौथा आकाश द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सॉरी, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म द्रव्य। आकाश अस्थिकाय की बात मैं नहीं करी, कौन अस्थिकाय के रूप में बोला उसको, अस्थिकाय कोई बोला यहाँ भी, अस्थिकाय की बात नहीं कर रही, अभी केवल द्रव्य की बात कर रही हूँ। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और अंतिम काल द्रव्य।
डॉट्स मारो स्वाति प्रभु, फटाफट काम करो, इनके कारण देर हो रही है, ये याद रखना। आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, डॉट्स नहीं मारे, समझ नहीं आया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिटोस, डिटोस बोलते हैं ना। अब हो गया, नहीं 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 अब हो गया, हो गया, अब और देर होगी इस विषय को लेके, इतना ही रखो अभी, ठीक है। जीव द्रव्य यानी लिख दो, लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स। अजीव द्रव्य यानी मैटर, नॉन लिविंग नहीं लिख रही मैं, मैटर लिखा रही हूँ उसको। तीसरा धर्म द्रव्य, हाँ मैटर खाली, धर्म द्रव्य मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ मोशन। चौथा अधर्म द्रव्य मीडियम ऑफ रेस्ट। पांचवा आकाश स्पेस, स्पेस काल टाइम। पूरा विश्व बस इन छह से बना है। अब नाम लिख दिया तो समझ भी लो क्या है, जीव द्रव्य आप मैं, जिसमें जानने की शक्ति है, जानने देखने की, इसलिए ज्ञान दर्शन गुण बोला जाता है। पुद्गल द्रव्य यानी अजीव, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी अनंता अनंत पुद्गल द्रव्य है, प्लास्टिक ले लो, सोना ले लो, हीरा ले लो, पत्थर ले लो, मिट्टी ले लो, पानी ले लो, तेल ले लो, जितना भी तुम नॉन लिविंग वर्ड देख रहे हो वो सारा गया किसमें, मैटर, अजीव द्रव्य यानी पुद्गल, पुद्गल भी बोलते हैं, अजीव द्रव्य भी बोलते हैं। अब जीव और पुद्गल को देखो, इन सारे षट द्रव्य के अंदर, जीव और पुद्गल के अंदर ही कुछ शक्ति है, शक्ति है, कुछ कर सकते हैं, तो उनको वो करने के अंदर जो मूवमेंट में मदद करती है, इधर से इसको इधर से वहां मुझे रखना है, यहां से वहां रखने के लिए गति करी ना इसने, इस गति करने में जो तत्व मदद कर रहा है उसको धर्म द्रव्य बोला जाता है। फिर इसको उठा के यहां रख दिया, स्थिति हुई इसकी, जो रुकने में सहायक हो उसे अधर्म द्रव्य बोला जाता है। समझ आ रही है, जो जगह दे, अब इस वस्तु को रखना है तो यहां जगह भी तो होनी चाहिए, अगर यहां जगह ही ना हो तो रखा नहीं जा सकता, रखने के लिए जो जगह दे उसे आकाश द्रव्य बोला जाता है। और काल द्रव्य यानी कि जिसके उपचार से वस्तु पुरानी होती है, फिर पुरानी होके नई भी हो जाती है, उसे काल द्रव्य बोला जाता है। सोचना इस बारे में, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है। पहला जीव द्रव्य अनंत अनंत जीव है, उसका गुण क्या है, ज्ञाता दृष्टा चैतन्यता, बस इतना ही। चेतना, चेतना शब्द का मतलब समझते हो क्या, मैं तो हूं जिसमें, वो तो लिविंग बींग है। शब्द को तोड़ डालो ना तो उसका मतलब मिल जाएगा, चेत जमा ना, चेत, चेत जो जागृत है, और ना लगा है मतलब निरंतर जागृत है, इसको चेतना बोलते हैं हम लोग। चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति किसी को आग की फॉर्म में दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है, चेतना गुण तुम्हारा है मतलब सदा जागृत है, चेत चेत नर तू चेत, ऐसा बोलते हैं ना, चेत मतलब जाग जाग, अब तो जागृत हो। और ये निरंतर जागृत है, निरंतर, तुम्हारी नींद में भी जो नहीं सोता, तुम्हारे स्वप्न में नहीं सोता, मृत्यु उपरांत भी वो अगले ही क्षण वापस, उसका चेतना गुण कहीं नहीं जाता, आवृत हो जाएगा लेकिन चेतना गुण उसका कभी भ्रष्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता, भ्रष्ट तो है ही बेचारा लेकिन नष्ट नहीं हो जाता, ये कह सकते हैं। ये है जीव द्रव्य का लक्षण। पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, इससे जीव ग्रहण कर सकता है, ये नहीं कहता बिन प्रभु मुझे ग्रहण करो, लेकिन जीव इसको ग्रहण कर सकता है। पुद्गल द्रव्य का गुण है ग्रहण करने की शक्ति है, या पूरन गलन की, पुराना होने की, नया होने की शक्ति है उसमें, होता है ना, यही चीज पुरानी हो सकती है, उसके बाद इसको नई भी हो सकती है, रिसाइकल कर देते हैं अब तो हम, रिसाइकल करके नया भी कर सकते हैं, जिसमें पुराना नया होने की शक्ति है, या जीव जिसे ग्रहण कर सके वो शक्ति है, वो क्या बोला जाता है, पुद्गल। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे, अब विषय शुरू हुआ है और बस इतना ही समझाऊंगी आज। फिर जब जीव या पुद्गल को
गमन करना हो, गमन यानी मूव करना हो, दे वॉन्ट टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, तब उस मोशन में, उस गति में कोई सहायता करता है, और वो क्या है? धर्म द्रव्य। उसके बाद उन्हें ठहरना हो, जीव और पुद्गल दोनों को, ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं वो, जीव हैं के क्या है, अजीव माने उन्हें, पुद्गल पुद्गल मान लेते हैं, लेकिन उस पुद्गल को भी अगर चलना है तो किसी की सहायता चाहिए। वो कौन सहायता कर रहा है? धर्म द्रव्य। और उसको रुकना है तो कौन सहायता कर रहा है? अधर्म द्रव्य। अध्यात्म भी यही है, तुम्हें चलना है तो धर्म मदद करेगा, तुम्हें अटकना है इसी पर्याय के अंदर तो अधर्म तुम्हें अटकने में भी पूरी पूरी मदद करेगा। तुम देख लो तुमने क्या करना है। पांचवा है आकाश द्रव्य। जीव और पुद्गल को गमन करने के लिए स्पेस चाहिए ना, स्पेस चाहिए, वो स्पेस भी क्या है? एक द्रव्य है। और छठा काल द्रव्य, जिसका सानिध्य पाके पुराना नया होता है, नया पुराना होता है, ड्यू टू रिसाइकल मैं कह रही हूँ, क्योंकि पुराने शास्त्रों में देखोगे तो यही लिखा है कि नया पुराना होता है, लेकिन अब जैसे जैसे बात रिसाइकल पर आती गई तो नया भी तो पुराना हो, नया पुराना होता है और पुराना वापस नया हो जाता है। इस प्रकार से जो काल द्रव्य है वो नया से पुराना और पुराना से नया करने में मदद करता है। इसके अलावा सातवां द्रव्य कुछ सोच सकते हो? सोचो, बस अभी हो गया अपना, बताओ इससे ज़्यादा कुछ सातवां द्रव्य सोच सकते हो? कि सात के बदले छः के बदले पाँच में चला ले, सोच सकते हो ऐसा? तो इसलिए केवली भगवान ने कहा कि ये पूरा जो विश्व है ये छः द्रव्य षट द्रव्यात्मक है, छः द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। इन छः द्रव्य में से पांच जो है ना, पहले पांच वो समूह में होते हैं और छठा जो है ना वो अकेला होता है। इसलिए पहले पांच के साथ अस्तिकाय जुड़ता है, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, और छठा अकेला होता है। काल समूह में नहीं होगा, वर्तमान होगा तो वर्तमान ही होगा, काल में कोई समूह नहीं होता, इसलिए वह क्या बन जाता है? अस्तिकाय नहीं होता। पंचास्तिकाय माना जाता है, जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय या पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। इन सब के अलावा कुछ कुछ सोचता है तुम्हें? समूह, जिस समूह हो, समूह ग्रुप में हो, जैसे जीव द्रव्य है इसका खूब समूह अनंत अनंत है, खूब सारे हैं। अधर्म द्रव्य लो तो वो भी समूह में है, पूरा लोक आकाश जितने हैं, पूरे इतने सारे वहां से लेके नीचे तक हर जगह। धर्म द्रव्य देखो समूह में, सामूहिक है, लेकिन काल हमेशा एक काल पर्यंत होगा, वर्तमान का एक काल, एक क्षण पहले भी क्या हो गया मेरे लिए? भूतकाल। सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई जवाब दो इनको। भाव काल, हाँ पहले तो ये हुई पर्याय, लेकिन उन्हें डालें किस में? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हमें सूझना चाहिए, बहुत अच्छा है पर्याय, लेकिन छह द्रव्य में कहाँ डालें उन्हें? अभी तो द्रव्य की बात चल रही है। ज्ञान को धर्म द्रव्य में नहीं, धर्म द्रव्य का कार्य है मीडियम ऑफ मोशन, केवल इतना ही। किसी को गति करनी है तो मदद कर रहा है, सारा बाहर बाहर के जगत की बात चल रही है, अंतर जगत की बात नहीं चल रही। मेरे हाथ अभी यूं हिल रहे हैं तो ये हिलने में कोई द्रव्य मुझे मदद कर रहा है सतत, वो कौन सा है? धर्मास्तिकाय। अब ये ठहर गया, इसको रुकने में भी किसी ने मदद किया, वो कौन है? अधर्मास्तिकाय। ये जो इतनी जगह मिल रही है यहां मुझे, यहां दीवार होती वो आकाशास्तिकाय। अब बोलो जो सपना प्रभु का प्रश्न, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्यों पुद्गल कैसे होगा? धर्म अधर्म को ऐसे मत समझो, धर्म अधर्म को विश्व की अपेक्षा से समझो, ये आत्मा की बात नहीं चल रही, विश्व की बात चल रही है। वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण मैंने बताया, लेकिन यहां ये नहीं समझना। धर्मास्तिकाय यानी क्या है? जो गति में सहायता कर रहा है, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं ना, ये भी एक धर्मास्तिकाय के कारण है। समझ में आ रहा है? फिर आप में ज्ञान आचरण बन के स्थिर हो जाएगा, तो वो अधर्मास्तिकाय ने स्थिरता में मदद की। अब एक नया डायमेंशन खुल रहा है,
शायद इतनी गूढ़ बातें कभी सुनी नहीं होंगी, सोची नहीं होगी अभी यहाँ पर, और वो भी रात को 11:45 बजे मैं बता रही हूँ। तो मुझे पता ही था कि बोरिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि 10:30 के बाद शुरू करूँ ताकि मेरे ऊपर ना आए, काल के ऊपर आ जाए कि टाइम ही ऐसा था कि हमें नहीं समझ में आया, आपने अच्छे से नहीं समझाया, ऐसा ना हो। ऐसा नहीं है, ये षट द्रव्य से भरा हुआ विश्व है। उसमें सपना प्रभु का प्रश्न है कि तो ये विचार क्या हुए, क्योंकि मैंने कहा कि उसको जीव हो गए, विचार जीव में आए, पुद्गल हो गए। देखो ये धर्मास्तिकाएं नहीं हो सकते, अधर्मास्तिकाएं नहीं हो सकते, आकाश नहीं है, काल नहीं है, तो बचे दो ही ऑप्शन हमारे पास, ये जीव है कि अजीव है। सूक्ष्म है, बराबर है, मैटर में ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा? अच्छी बात है, वो जीव उसको ग्रहण करता है, इसलिए ये पुद्गल हो गया। चेतना देख लेते सूक्ष्म है। बात अभी ये चल रही है, इसने अच्छा बोला कि ग्रहण शक्ति है, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जिसने ध्यान से सुना होगा, ग्रहण शक्ति किसकी है? ग्रहण पुद्गल में ये ताकत है कि उसे ग्रहण किया जा सके, लेकिन ग्रहण करता कौन है? जीव। तो विचार जीव में डाले या पुद्गल में डाले? क्यों क्यों? ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, यहाँ इस सभा में ये होना ही चाहिए। बोलो क्या है? तो वो पुद्गल हो गया, लेकिन ग्रहण होने की शक्ति तो पुद्गल की है। होने की शक्ति है ना? हाँ, अच्छा पुद्गल हो गया, ठीक है। और इजी बताओ, क्योंकि पार्थ प्रभु की बात थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी है, सेंसिबल है, लेकिन ये अगर यूट्यूब पे डल गई तो कहेंगे बेन प्रभु आज का सत्संग समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बात तुम बोल रहे हो, शायद समझ में आएगी अभी थोड़ी देर में। बोलो। सही बात है, एक ही सोचना चाहिए उसको, वेरी गुड, एक ही सोचना चाहिए। अगर वह ये अभी कितनों को समझ में आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत अच्छी बात बोल गया। ये नाम क्या है इसका? नीरव नाम है कि कल्पेश? हाँ, मैं भूल जाती हूँ इसका नाम हमेशा। और बोलो क्या रखें इसको, जीव में डालें पुद्गल में डालें? जो परिवर्तनशील है वो पर्याय है, उसे पुद्गल नहीं कह सकते। हाँ, इन छह में ही बताना, पुद्गल ही आएगा। कैसे आएगा, कैसे इसको इजी सिंप्लीफाई कर डाले, विचार को किस में डाले? जो जिसके आश्रय से आता है ना, वो उसका कहलाता है। सिंपल बात ये। अब जिन सिद्धांत आने शुरू होंगे, जो जिसके आश्रय से, जीव के आश्रय से आता हो तो सिद्ध परमात्मा को भी आए, जीव के आश्रय से आता हो तो फिर शेर और चूहे को भी आए, लेकिन स्त्री को देख के विकार पुरुष को होता है, सिद्ध को भी नहीं होता और चूहे को भी नहीं होता, दोनों। जिसके आश्रय से जो आया वो उसका कहलाता है, ये सिद्धांत को लिख लो। अब किसके आश्रय से तुम्हें विचार आया, ये बड़ा सुंदर है, किसके आश्रय से आया? पुद्गल के आश्रय से। पुद्गल के आश्रय से विचार आया, यानी पुद्गल। अब मैंने कुछ तुम्हें कहा और मेरे आश्रय से तुम्हें ये विचार आया, मैं तो अजीव नहीं हूं, ये अजीव में तो बात मामला सेट होता था, लेकिन अब मैंने कुछ कहा और मेरे कहने से आप में भावों का आवेश आया, तो अब इस भाव को कहां डालोगे? लो, जाति बदल डाली। ऐसे नहीं चलता ये, इसीलिए कहा ये मामला बहुत सूक्ष्म होगा अब, क्योंकि जो मैं बोल रही हूं वो शब्द वर्गणा के पुद्गल है, पुद्गलास्तिकाय। मेरी मुख की मुद्रा देखकर आपको भाव आया, लेकिन ये मुख क्या है? ये खुद ही अजीव तत्व है। मुख को देखकर आपको भाव आया तो मुख खुद ही पुद्गल है, अजीव है मुख, भले उसके सानिध्य में जीव रहता है, लेकिन है क्या मुख? क्या है? जड़ है।
चेतन चला जाएगा यहाँ से तो भी मुख तो रहेगा ना, वैसा का वैसा। तो मुख रहता है, जिसका आश्रय लेकर आया उस जाति का हो जाता है। जितने भी विचार मेरे को देखकर विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, शब्दों को सुनकर भाव उठते हैं, सत्संग में क्या भाव उठे, क्या है सत्संग का माहौल देखकर भाव उठा, माहौल क्या है, पुद्गल है, अजीव है, तो भाव क्या हुए, अजीव हो गए। एक एक सिद्धांत आएगा और दिमाग की नसें खुलने लगेगी। कॉफी पीकर आना अगली बार से। जो जिसके आश्रय से उत्पन्न होता है वो उसकी जाति का कहलाता है, होगा कि नहीं। प्रकाश मेहता के आश्रय से पूजन आया तो वो पूजन किसका कहलाएगा, प्रकाश मेहता का कहलाएगा, बात खत्म। यही सिद्धांत जिनागम में चलेगा, जो जिसके आश्रय से आया वो इसका कहलाएगा। और ये सिद्धांत खाली तुम कल से नहीं, अभी से लगाना शुरू करो ना, भेद ज्ञान शुरू हो जाएगा यहां, भेद ज्ञान। किसी को देखकर क्रोध आया, करो अब लगाओ ये सिद्धांत, किसी को देखकर क्रोध आया, अब वो पुद्गल है, उसको देखकर आया क्रोध अजीव का है, मेरा नहीं है, भेद ज्ञान शुरू। अब समझ में आया, जो कुछ भी उठ रहा है ये तुम्हें मैं बता दूं, सीक्रेट आगे ये है, ये क्लास से अब समय सार की तैयारी तुम्हारी शुरू। समय सार क्या है, समय सार पहली गाथा से द्रव्य गुण पर्याय के भेद यहीं से समझ लो, वहां थोड़े कष्टपूर्ण लगेंगे, लेकिन अब समझ में आया। कुछ भी तुम्हें क्रोध भी उदय में आता है ना, तो जिन परमात्मा कहते मेरा नहीं है भाई, जिसके उदय से, जिसके कारण निमित्त से आया, जिसके आश्रय से आया, उसका मानते हैं। तो मैं अलग हूं और क्रोध अलग है, भेद ज्ञान स्टार्ट काम तुम्हारा, भीतरी कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए ये सिद्धांत डाल दो, जो जिसके आश्रय से आए वो उसका, जिन परमात्मा की प्रतिमा देखकर तुम्हें भाव उमड़ते हैं तो भी जड़ है, चाहे प्रतिमा जिनकी है लेकिन भाव जड़ है, तो वहां से भी भेद ज्ञान। अरे ये भाव उठे कि मुझे भी तीर्थंकर होना है, मुझे भी केवली होना है, लेकिन इस भाव को जानने वाला, क्योंकि अपनी सत्ता क्या है, जानने देखने वाली, जानने वाला अलग है, उधर भी भेद ज्ञान हो गया। कर रहे हो जिन परमात्मा के दर्शन और चल रही है भेद ज्ञान की धारा, ऐसी चलती है ज्ञानियों को, सतत चलती है। कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया, 11 बजे का समय है, बोलो सब समझ में आ रहा है। जो जिसके आश्रय से आएगा वह वैसा कहलाएगा। और इस पूरे नाटक के अंदर, समय सार को नाटक की भी उपमा दी है, इस पूरे नाटक के अंदर दो ही पात्र हैं, देखा जाए तो दो ही पात्र, जीव और पुत्कल, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश और काल तो केवल सहायक तत्व है, सहायक, बाकी जो मेन रोल प्लेयर्स है ना, और ये बहुरूपिया है, बहुरूपिया कहते हैं बनारसी दास उसको, बहुरूपिया है, मानी तुमने ऐसे नाटक देखे हैं जिसमें एक ही व्यक्ति स्त्री का भी रोल अटेंड करता है, वही उल्टा हो जाता है तो वो पुरुष बन जाता है, या कभी किसान है तो इधर से धनवान बन जाएगा इधर किसान, तो यही दो रूप धारण करके हम घूम रहे हैं इस नाटक संसार नाटक के अंदर, जीव और पुद्गल के अलग अलग वेश धारण करके हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय क्या है, पर्याय है किसकी कॉम्बिनेशन है, पुद्गल द्रव्य की, पांच भूत जो है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश, ये क्या है, पांच पुद्गल है, उसका और जीव का मिलन हो गया, दोनों ने नाटक शुरू कर दिया, कभी ये आगे कभी ये आगे चलता रहता है। मुख्य किसको करना है, ये दृष्टि अब यहां से तुम्हें सारे श्लोक देना शुरू करेगी। आज बस इतना।